इट्स वेरी कॉमन तो आपने इसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है पेशेंट को मैनेज करना है और ट्रीट कैसे करना है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि हमने पेशेंट को थरेटिकली कैसे मैनेज करना है ठीक है ना वट इज अ थ्रेटिकल नॉलेज और रिकमेंडेड बुक्स क्या क्या हैं तो फर्स्ट मैं बात करूंगी रिकमेंडेड बुक्स की अनिमिया एंड प्रेगनेंसी अगर इफ़ यू आर रियली गुड स्टूडेंट यू स्टिल है तो इट्स अ बेस्ट रिटर्न इन हाई रिस्क हाई रिस्क में आपको हर एस्पेक्ट से कवरेज है ठीक है ना यू बी एबल टू मेक योर ओन कॉन्सेप्ट बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट कि अभी शॉर्ट टर्म है एंड देन आई हैव टू इन द फेबररी एग्जाम तो उसके लिए फिर यू कैन कंबाइन योर बुक्स टुगेदर अनीमिया इज नॉट द डिजीज ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड anemia is basically the problem of the developing countries especially like us pakistan bangladesh india with the poverty prevails so anemia ki jo a shorthand work available here wo our professor dr ashish ki here just my quick summarized for me you get a complete picture starting from the uh, pathophysiology then risk factors then इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट सो ऑन ठीक है तो वो एक समराइज वे में सर ने थ्री बुक्स टुगेदर एंड दिस इज वेरी गुड लेकिन इफ यू वांट टू मेक योर कॉन्सेप्ट तो वो आपको हेल्प करेगी फर्स्ट गो में मे बी यू वोट बी एबल टू अंडरस्टैंड तो आप उसके वहाँ से पढ़ सकते हैं और साथ में यू कैन कंबाइन ई बी एम और यू लाइक ठीक है हर स्टूडेंट की अपनी प्रेफरेंस होती है बर, के, टेक्स्ट बुक आपने क्या रखनी तो लेट स्टार्ट और डिस्कशन अनिमिया होता क्या है अनिमिया इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेड ब्लड द बॉडीज नीड ठीक है जी तो अनीमिया जो है एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जो आपके हैं वो ऑक्सीजन कैरी ही नहीं कर पाते हॉपॉक्सिया हो जाता है हॉपोक्सिया होने की वजह से क्या होता है विजोडाइलेशन हो जाती है तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर और एनीमिया को समझने की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट्स अ वन डे प्रोसेस नहीं होता ठीक है इट्स नॉट अ सिक्स मंथ्स डिजीज इट्स अ क्रॉनिक डिजीज इट्स डेवलप ओवर द ईयर्स और फिर आपका जो पेशेंट प्रजेंट करता है वो किसके साथ करता है सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं साइन सिम्टम्स क्या होते हैं पेशेंट की आपके के उसको अनीमिया हुआ यानी पेशेंट वाज बिल हम इसको ना डायग्रामेटिकली ड्रा करके देख लेते हैं सबसे पहले आपके पेशेंट ही ही स्टार्टिंग दैट उसको जो है आपने लैब रिपोर्ट्स कराई एंड देन उसको जो है वो अनिमिया हुआ हीमोग्लोबिन कम हुई हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हाइपोक्सिया हो जाता है ठीक है जब हाइपोक्सिया हो जाता है टिश्यू का दैट इज अ डिग्री इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और सप्लाई नहीं होती जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आर की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है तो दैट्स नोन एज अपोक्सिया हाइपोक्सिया होने की वजह से नेचुरली इधर रिस्पॉन्स ऑफ द वेसल्स और टिश्यू जो होता है वहाँ पे विजोडाइलेशन हो जाती है ठीक है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है विजो, विजो हो जाती है जब पेरीफ्रेजो डन हो जाएगी तो बी क्या कर जाएगा ड्रॉप कर जाएगा जब बीपी ड्रॉप करेगा तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा दैट इज गोइंग टू स्टिमुलेट किडनीज ठीक है जी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का आप लोगों ने नाम सुना होगा वो एक्टिवेट हो जाता है जब बीपी कम होता है और इंक्रीज हो जाती है सिंपथेटिक एक्टिविटी तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जब रेनिन एंजियो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा नंबर वन फ्लोइड रिटेंशन दूसरी चीज़ दैट इज गोइंग टू कॉज द प्लाज्मा वॉल्यूम को रिट्यू कर रिटेन करने लग जाएगा क्योंकि बॉडी को ये रिस्पांस आ रहा है कि डायलेट कर जो हाँ हमारे पास मोर ऑक्सीजन चाहिए मोर ब्लड चाहिए लिहाजा वो डायलेट कर जाती है वैसल सारी की सारी उस एरिया में और ओवरऑल रिस्पांस क्या आता है कि जिसकी बेसो की वजह से क्या होता है बीपी ड्रॉप कर जाता है बीपी को कम्पनसेट करने के लिए सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है वो क्या करता है ओके फाइन आई हैव टू कंजर्व द फ्लूड वो फ्लुइड की कंजर्वेशन स्टार्ट करने लगता है जिससे फ्लूड रिटेंशन प्लाज्मा वॉल्यूम इकट्ठा हो जाता है प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है क्यों जो है वो ज्यादा करने की क्योंकि इट्स गोइंग टू इंक्रीज आउटपुट अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट के ऊपर इफ़ेक्ट होना होता है तो वो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करता है जब ये इनिशियलीविशियस सर्कल चल रहा होता है तो उस टाइम तक तो चीज़ें अंडर कंट्रोल होती हैं बट But... जब ये बहुत अरसे तक किसी तरह क्रॉनिक साइकिल चलता रहता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हार्ट के ऊपर वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है कार्डिक आउटपुट बहुत हो ज्यादा जा, हो जाती है ठीक है इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाती है क्योंकि इसके अपने मसल्स को हाइपोक्सिया हो रहा होता है जिसको कंपनसेट करने के लिए टैकी कार्डिया होता है और अल्टीमेटली हार्ट जो है वो हार्ट फेलियर में चला जाता है तो बेसिकली दिस इज द पैथो फिजियोलॉजी ऑफ एनीमिया अनिमिया इसलिए कभी भी हम कहते हैं क्रॉनिक Uh, जो है वो अनीमिया है या डिजीज है कोई भी डिजीज जो सिक्स मंथ से ज्यादा ड्यूरेशन की हो वजह वो क्रॉनिक हो जाती है ठीक है तो अनिमिया कैन बी एक्यूट जिसमें एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है एंड देन द्रॉनिक लाइक कारफिशंसी अनिमिया मेगेलो प्लास्टिक अनीमिया उसको आगे हम फर्दर डिटेल डिस्कस कर लेंगे तो दिस इज द बेसिक कॉल कॉन्सेप्ट कि जो है वो अनिमिया अल्टीमेटली हार्ट फेलियर कॉज कैसे करता है ठीक है जी तो ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी थी आई जस्ट वॉन्ट टू गिव एन आइडिया बिफोर मूविंग सो हो ताकि आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट रहे और जब हम आगे जाए तो यू विल गेट अलॉन्ग द डिस्कशन क्लियर जी ओके सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट लाइफ सो जो फर्स्ट सेमेस्टर में अकॉर्डिंग टू द एंड प्रेगनेंसी क्योंकि हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है तो फर्स्ट सेमेस्टर में हीमोग्लोबिन शुड भी अब जो नई टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है लेस देन ग्राम्स पर लीटर पहले हम कहते थे अलेवन ग्राम्स पर डेसी ठीक है आप क्योंकि टर्मिनोलॉजी को ग्राम्स पर लीटर में कर दिया है इंस्टेट ऑफ डेसी तो ये है कि आप ये कहेंगे कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अलेवन की बजाय हम कहते हैं ग्राम्स पर लीटर और सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में अगर लेस दैन टाइव ग्राम पर डेसी लीटर की बजायते एंड पोस्ट वार्टर में लेस देन टेन इट वॉज इजी टू मेमोराइज ठीक है स्टिल यू कैन यूज इट लेकिन न्यू टर्मोलॉलॉजीज यही है कि हंड्रेड ग्राम्स पर लेटर है एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट आपकी फिगर्स हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए जो कि आपको हेल्प आउट करेगी वन एवर यू आर टेकिंग योर लॉन्ग केस हिस्ट्री कि मैंने किस लेवल में क्या होगा मेरे टारगेट लेवल क्या होगा मैंने अपने पेशेंट को हाउ एम गोइंग टू हेल्प टू अचीव द बेसिक लेवल्स ठीक है जी हमारा एम यही होता है ना कि हमारे पेशेंट की जितनी एच पी डिस ट्रामेस्टर वाइज है हमने अप टू दैट लेवल वापस लेके आनी होती है एंड देन वी ट्रीट इट ओके अब इंसिडेंस कितना है अगर हम अपने कंट्री में बात करें तो आई मस्ट इट्स मोर देन फिफ्टी परसेंट ठीक है ना इवन समस्त है कि सेवेंटी परसेंट तक हम लोग जितनी भी पॉपुलेशन को करते हैं हमें वी कैन एक्सपीरियंस दैट इज अप टू अपनी परसेंट जो है वो अनीमिक हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इस पूरे अनिमिक होने में भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आयरन डिफिशियंसी होता है इसके अलावा जो फॉलिक एसिड डेफिशिय है दैट्स अबाउट फाइव परसेंट एंड उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या होते हैं वो डाइट है वाइटामिन बी ट्वेल्व एंड फॉलिक एसिड ठीक है जो कि बहुत रेयर होती है फोलिक एसिड की वजह से हो सकता है वाइटल विचुअल प्रेगनेंसी में बहुत कम होता है सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रिस्पांसिबल द 90% ऑफ द केसेस एंड ओवरऑल जो एनीमिया का जो इंसिडेंस है प्रेगनेंसी में वो है 30 टू 50% इन वुमेन ओके अब हम बात करते हैं कि एनीमिया में तीन तरह के हो सकते हैं ठीक है जी ये जो हमने क्लासिफिकेशन की है, है जी? अभी हम करेंगे कैसे होते हैं, वो होते हैं पेशेंट की आपने लैब रिपोर्ट देखनी है उसमें सबसे पहले आप जब भी हीमोग्लोबिन देखते हैं तो सी की रिपोर्ट आप देखते हैं तो हमेशा रेड सेल एंडसिस के ऊपर यू हैव टू पुट अ वेरी गुड एम्फिस ऑन दैट ठीक है उसमें क्या क्या होता है उसमें हम

ओके इफ इट्स लेस दैन दैट इट्स नोन एज माइक्रोसेटिक अगर इससे ज्यादा हो जाता है इट इज़ नोन एज अ माइक्रोसेटिक तो ये बेसिकली क्लासीफिकेशन है अब हमें फायदा क्या होता है जब हम इनको इससे डिवाइड कर लेते हैं तो हमें उससे डिजीज को कैटेगराइज करने में हेल्प करती है अगर तो आयरन डिफिशंसी अनिमिया है दैन इट विल बी मोस्ट लाइकली उसमें जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोसेटिक हो जाते हैं और फिर उसको फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ

वो अनी ड्यू टू एसिड की डिफिशियंसी की वजह से हो तो वो मोगेलो कहलाता है लेकिन अगर सेल का साइज बढ़ा हुआ है एंड इन दोनों की डिफिशेंसी नहीं है तो वो सारे अनिमिया कहलाते हैं नॉन मगैलो प्लास्टिक अनीमिया में बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होती है वो हाइपोथर होती है इसके अलावा हेपेटिक डिजीज होती है या ड्रग इंडीमिया होता है यू आर टेकिंग सच टाइप ऑफ ड्रग जो कि अनिमिया कॉज कर रही है। जितनी एंटी जो होती हैं कैंसर ड्रग्स होती हैं इसके अलावा नॉर्मोसिटिक ये भी हो सकता है कि सब कुछ नॉर्मल है अनिमिया को कैसे कैटेगराइज किया जाए सेल की शेप ठीक है सब कुछ ठीक है तो वो नॉम जिसमें सेल की शेप ठीक रहती है लेकिन अनीमिया हो जाता है उसमें मैंने आपको बताया कि क्यूट ब्लड लॉस है ठीक है हेमोलिसिस हो सकता है बोन हो सकता है या मैरोमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज लाइक टू तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी है कि जैसे आप एनीमिया को ऑन द शेप ऑफ साइजेस ऑफ द एमसीवी नॉर्मल सेल शेप के ऊपर डिवाइड करेंगे कि वो नॉर्मल शेप का है माइक्रोसिटिक है या मैक्रोसिटिक है ठीक है और ये आप जब पेरीफ्रल फिल्म ऑर्डर करते हैं तो उसके ऊपर आपको नजर आ जाता है अब हम बात कर लेते हैं कि जब फीमेल है जो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी बॉडी में कौन से फिजोलॉजिकल चेंजेस आ रही है हमें हम सब सबको पता है कि फिजोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर सिस्टम के अंदर उसमें हमारा क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ये जानना चाह रहे होते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रेगनेंसी चेंज क्या आया है वेदर वो फिजोलॉजिकल चेंजेस को हम पैथोलॉजिकल लेबल करके तो ट्रीट नहीं कर रहे इसकी ये इंपॉर्टेंस होती है कि उस फिजियोलॉजिकल चेंज को माइंड में रखते हुए आपने डिजीज को डायग्नोज करना है ये नहीं करना कि हम उसको मिसलेबल कर दें सो विल डिस्कस वन बाय वन सबसे पहले प्लाज्मा वॉल्यूम प्लाज्मा वॉल्यूम जो है जो बॉडी में आपके सर्कुलेट कर रहा है सारे का सारा प्लाज्मा uh, और उसका वॉल्यूम अबाउट फिफ्टी तक इंक्रीज हो जाता है जो रेड सेल मैस है वो अपटू टी फाइव परसेंट तक इंक्रीज हो जाता है अभी जब हम मीन सेल वॉल्यूम की बात कर रहे थे मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मीन सेल वॉल्यूम ठीक है तो ये भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि सेकेंडरी रिथ्रोपाय बॉडी की नीड ज्यादा है मदर को रिक्वायरमेंट ज्यादा है एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली अंडर द रिथरोपायटन जो है वो ज्यादा से हो रहा होता है वो बोन मैरो ज्यादा बना रही होती है तो जिसकी वजह से द डिमांड की वो ज्यादा होने की वजह से जो एम है वो रेलिटिवली इंक्रीज हो जाता है हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन हेमाटोक्रेट रेड सेल काउंट सब कम हो जाते हैं ड्यू टू दिमो डल्यूशन की वजह से ये सबको कॉन्सेप्ट पता होगा इसके अलावा जो है वो मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन ठीक है एक वर्ड होता है एम और एक होता है एम सी एम सी एच का मतलब होता है कि एक सेल के अंदर कितनी हीमोग्लोबिन है ठीक है इसको आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब रेड सेल इंडसिस करेंगे और मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन का मतलब होता है कि जो ये हमने रेड सेल मैस लिया था हमेटोक्रेट था उसके अंदर ओवरऑल जितना हमेटोक्रेट है बॉडी के अंदर उसके अंदर मेन हीमोग्लोबिन कंसन्ट्रेशन कितनी ज़्यादा है तो वो यूजुअली स्टेबल रहती है वो चेंज नहीं होती हीमोग्लोबिन जो है वो कंसनट्रेशन कम हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है लेकिन आपको फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल में डिफरेंस करना होता है अगर तो किसी की 11, 10.9, 10.5 आ रही है फर्स्ट सेमेस्टर में तो यू आर नॉट गोइंग टू तो लेबल दैट पेशेंट डजन ईमे ठीक है की प्रोवाइडेड अदरवाइज शी इज हैविंग साइन एंड सिम्टम और उसकी एच बी फर्स्ट में टेन या बिलो चलेगी तो फिर हम उसको लेबल करेंगे अब ये फ्यू इंडस्ट्रीज के ऊपर बात कर लेते हैं दैट्स अ टर्मिनोलॉजीज हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एंड एम सी एच सी ये आपके तीनों जो इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन यू आर मैनेजिंग योर पेशेंट इन द वार्ड्स और या आप जो है लॉन्ग केस में एग्जामिनर के साथ वाइव में डिस्कस कर रहे हैं आपको हर uh, उसके निमोनिक की प्रॉपर uh, प्रोनाउंसिएशन uh, या उसकी वर्डिंग आनी चाहिए और इसके अलावा इनके फार्मूलाज आने चाहिए फार्मूलाज के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि इनके यूजेज क्या है या आपको कैसे हेल्प करा है वाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन ठीक है सो लेट्स अब इसकी स्टार्ट डिस्कशन ऑन दिस की जैसे मैंने आपको बताया है कि ये इंडिकेट करता है एवरेज साइज ऑफ द रेड ब्लड सेल्स ठीक है और हम कैसे इसको काउंट uh, um, करते हैं दैट इज यू हेमेटोक्रेट हेमेटोक्रेट का तो सबको पता है ना कि जब भी हम ब्लड लेते हैं उसे सेंट्री करते हैं एक हाई हाई स्पीड के ऊपर तो प्लाज्मा और जो होता है मैस जो है वो सेपरेट हो जाता है ठीक है ये जो आपने सेंट्री किया और ये जो मैस रह गया नीचे पूरे ब्लड में से ठीक है दिस इज ऊपर तो येलो प्लाज्मा आ गया तो दिस इज नोन एज हमेटोक्रेट ठीक है तो इसको हेमेटोक्रेट कहते हैं जब हमेटोक्रेट कोड बी सी आर बी सी काउंट है ये ठीक है आर बी सीज काउंट तो जब भी आप अपने पेशेंट की कभी स्लिप देखें सी बी सी की तो आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन होती है हीमोग्लोबिन डब्ल्यू बी सीज हिमोग्लोबिन और हीमो, हीमोग्लोबिन के बाद दूसरा वर्ड जो लिखा होता है वो लिखा होता है हेमेटोक्रेट का ठीक है जी हेमेटोक्रेट के आ, के साथ ही द अदर अदरवाइज उसके बिल्कुल नीचे होता है आर बी सी काउंट टोटल आर बी सी काउंट ठीक है तो ये जो कंसंट्रेशन है दैट्स अ डिफरेंस और टोटल आरबीसी काउंट जो है वो डिफरेंट है इन दोनों की अपनी डिफरेंट है सो so, लिहाजा हम हेमेटोक्रेट को जब आरबीसी काउंट से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाता है यानी कितने काउंट सेल थे फिल्म के ऊपर और हेमेटोक्रेट से मैंने डिवाइड किया तो एट्टी टू जो मुझे एवरेज सेल का साइज आएगा दैट इज नोन एज अ मीन कॉर वॉल्यूम ठीक है उसके बाद दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या होती है विच इज कैलकुलेटेड बाय डिंग दिमोग्लोबिन बाय आरबीसी काउंट एक सेल के अंदर हिमोग्लोबिन का मतलब है एक सेल के अंदर हिमोग्लोबिन कितनी है सो so, इसको हम क्या करते हैं कि हिमोग्लोबिन डिवाइड बाई आरबीसी इसकी रेंज होती है ट्वेंटी सेवन से थर्टी वन पिकोग्राम पर सेल ये इसकी रेंजेस होते हैं एंड आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉर्मल रेंजेस भी आनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको हैं दे आर जस्ट गोइंग टू टेल यू कि हाँ जी दिस इज द वैल्यू एंड आपने खुद माइंड में रखना होता है कि अच्छा इसकी वैल्यू नॉर्मल है या एब नॉर्मल है दे विल जस्ट टेल यू द वैल्यूज यू यू हैव टू रिमेंबर द यूनिट्स ठीक है दैट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर नॉट गोइंग टू टेल जब भी आप एग्जामिनर से आपने इन्वेस्टिगेशन मांगनी है आपने पहला वर्ड ये यूज़ करना है मे आई हैव द इन्वेस्टिगेशन विद डेट्स प्लीज तो फिर वो आपको आगे करेंगी आप फिर आप बोलेंगे कि जी क्या चाहिए आपको तो वो के? आपने बोला है कंप्लीट ब्लड काउंट इंक्लूडिंग ठीक है जी हिमोग्लोबिन डब्ल्यू सी प्लेटलेट्स अगर तो एग्जामिनर ने आपको हिमोग्लोबिन कम बता दिया टेन बता दिया या उससे कम बता दिया फिर आपने कहना है कि मे आई हैव द इंडसिस प्लीज इंक्लूडिंग फिर यहाँ पे आपकी चॉइस है यू कैन यूज़ एम सी वी इफ़ आपको नहीं आ रहा मतलब यू आर इन हरी और आपको है कि मेरा टाइम शॉर्ट है तो यू कैन यूज़ द्मॉल निमोनिक एम सी वी एम सी एच एम सी एच सी ठीक है क्योंकि ये जर्नलाइज निमोनिक एवरी वन अंडरस्टैंड लेटर ऑन वन शी इज गोइंग टू टेक द दाइवा फ्राम यू एट दैट टाइम दे कैन आस यू ओके वॉट डू यू मीन बाई एम सी एच सी बट द गुड इम्प्रेशन इज ऑलवेज दैट कि ऑलवेज यूज़ द प्रॉपर Okay. तीसरी indices, volume, ये जो मैंने आपको उस टाइम बताई थी ऑफ रेड ब्लड सेल्स की और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि हीमोग्लोबिन को आप हिमाटोक्रेड से डिवाइड करें तो फिर आपको एवरेज एक सेल के अंदर हिमोग्लोबिन्रेड तो ये है ना सारे का सारा ठीक है तो जब इसको आप एक हे एच से डिवाइड करेंगे हीमोग्लोबिन से डिवाइड करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर कितनी जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो थर्टी टू टू थर्टी सिक्स ग्राम्स पर डे होती है ठीक है सो दीडिस आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट और आपने अपने पेशेंट के डिटेल जो है वो पूछनी होती हैं डिस्कस करनी होती हैं क्योंकि ये आगे आपको मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वी आर टॉकिंग अबाउट रेड सेलेंडेज ये सारी अभी मैं आपको रेड सेलेंडेज बता रही हूँ ठीक है द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द नेक्स्ट वन इज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट आर डी डी डब्ल्यू ठीक है जी टू फिफ्टीन तक होती है इसकी नॉर्मल रेंज और लेफ्ट टू लेफ्ट वेरिएशन होती हैं लेकिन 15 टू 16 इज़ द मैक्सिमम रेंज है उससे हम कम ज़्यादा के ऊपर भी कमेंट करते हैं कि विच कैटेगरी में ये आता है और किस में जो इन्वेस्टिगेशन जो है ये किस डिजीज़ में आर डी डब्ल्यू ज़्यादा होती है या कम होती है ठीक है अब आर डी डब्ल्यू है क्या आर डी डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपने पेशेंट की पेरीफ्रल फिल्म ऑर्डर की ठीक है हम अक्सर लिखते हैं ना कम्प्लीट ब्लड काउंट विद पेरीफ्रल फिल्म पेरीफेर फेयर मैं क्यों चाह रही होती हूँ क्योंकि मैंने कमेंट लेना होता है पेशेंट से जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वेदर दैट्स एन अनोमोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनिमिया हाइपोक्रोमिक अनिमिया या yeah, इट्स some... uh, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया ठीक है तो उससे मुझे हेल्प हो जाती है कि अच्छा इंडसिस भी खराब आ रही हैं Uh, उनको जो पेरीफ्रल फिल्म पे ऊपर जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं उनकी भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है इसका मतलब है कि एवरेज सेल के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो रही है जिसकी वजह से जो पेशेंट है इस मीन्स के ही शी इज सफरिंग फ्रॉम द करोनिक एनीमिया इट्स नॉट डिवेलप रिसेंटली और uh, जो है वो पेशेंट की साइन सिम्टम्स बहुत एक्यूट नहीं हैं इसकी बॉडी में पहले ही था प्रेग्नेंसी की वजह से सुपर इम्पोज हो गया है और ये प्रेजेंट कर रही है तो दैट विल हेल्प यू टू हाउ टू मैनेज योर पेशेंट ठीक है ओके तो आर डी डब्ल्यू क्या होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है इट्स अ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबेज इसका कॉन्सेप्ट आगे हम डिटेल करते हैं कि बोन मैरो से सेल्स नहीं बनना होता है बोन मैरो से आप डिफरेंट जो सेल्स होते हैं जो स्टैंडर्ड रिथ्रोसाइट बनता है वो क्या होता है वो एक मेच्योर सेल्स होता है ठीक है हम यहाँ पे करते हैं शेप शेप का का होता है, का होता है है बिटवीन और उसके बाद ये अपनी ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है इट हैज एन अबिलिटी टू कैरी द ऑक्सीजन ठीक है तो ये ऑक्सीजन के चार मॉलिक्यूल्स को लेके ट्रेवल कर रहा होता है अब जब पैथोलॉजिकल डिजीज हो जाती है तो इट बिकम स्मॉलर ठीक है तो ये स्मॉलर हो जाता है जिसको हमें कह रही थी कि मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाता है और जब अरेथ्रोपाइसिस की वजह से अभी हमने बात की थी कि अरेथ्रोपाइसिस जो है वो रेड सेल काउंट को इंक्रीज एम को इंक्रीज कर देती है और जब कोई पैथोलॉजी हो जाती है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या होता है कि बोन मेहरों के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अरिथ्रोपाइट क्या है इट्स अ मशीन जो कि आर बना रही है जब ये आरबीसी बना रही होती है तो जब पहले बनते हैं बोन मैरो में दे आर नोन एज ठीक अरिथरो रिथ्रो ब्लास्ट होते हैं और जब सर्कुलेशन में सेवन डेज पे तैयार होके पहुंचते हैं तो वो क्या कहलाते हैं रिथ्रोसाइट्स रिथ्रोसाइट्स कहलाते हैं ये जो रिथ्रोसाइट्स होते हैं इसमें नॉर्मल हेल्दी सेल्स होता है और ये अच्छी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है इसकी हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन नॉर्मल होती है सब कुछ अच्छा होता है इट्स एन हेल्दी सेल बट लेकिन पैथोलॉजी की वजह से जब ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है <coughs> तो इट्स स्टार्टि स्मॉलर हो जाता है साइज में और इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम होने लग जाती है एक्सक्यूज में ओके okay. सो so, mm, उसके उसके बाद मैं बताई थी कि रिथ्रो बोन मैरो से आया इससे मेच्योर सेल्स रिथ्रोसाइड बन जाता है फिर इट्स जब पैथोलॉजिकल हो जाता है तो दिस इज नोन एज स्मॉलर सेल्स है जिसका साइज बहुत छोटा है ठीक है जब अनिमिया की वजह से बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है जो भी हमने साइकिल डिस्कस किया था जब बॉडी के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो क्या होता है कि बोन मैरो को मैसेज मिलता है रिथ्रोपाइटन आता है कि सिक्रीट मोर आरबीसी बिकॉज देर इज अपॉक्स आर गोइंग ऑन सो लिहाजा मुझे मोर ज्यादा ब्लड सेल्स चाहिए अब मशीन है ये बना रही है तो वो क्या होता है कि जल्दी में जब बॉडी का वर्कलो बहुत है तो वो जिस तरह के सेल्स होते हैं वो सर्कुलेशन में फेंकने लग जाती है बोन मैरो ठीक है जब ये सेल्स डिफरेंट शेप के सेल्स जो है वो सर्कुलेशन में आने लग जाते हैं तो क्या होता है कि आपके पास यहाँ बड़ा सेल्स भी पड़ा होता है एक रिथ्रोसाइड भी पड़ा हुआ होता है इसके अलावा छोटे सेल्स भी पड़े होते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक सेल्स भी पड़े हुए होते हैं तो डिफरेंट पिक्चर ऑन दैरिफर फिल्म सो आपके पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं is, is, is one, is, is film, और, है. और इनके बीच में जितना डिफरेंस है फॉर एग्जाम्पल अगर बिगेस्ट सेल जो है वो ग्रेटर देन नाइनटी फेमटोलीटर का है एंड द स्मॉलर वन वॉज रफली अगर हम इसे एस्टिमेट कर लें सिक्सटी uh, फाइव का है ठीक है जो इनका डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर आर डी डब्ल्यू ठीक है तो इसको हम कहते हैं दैट इज अ रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी ज्यादा है ये आपको सवेरिटी ऑफ डिजीज बताती है जितना ज्यादा गैप ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सवेयर डिजीज uh, होगी पैथोलॉजी इतनी ओल्ड uh, होगी और इतनी क्रॉनिक डिजीज होगी और ये आपको विथ इंडिकेट करता है इसके लिए जो है एक और इंडेक्स यूज होता है विच इज़ अ वेरी हेल्पफुलजर इंडबी थ्री बाई विलियम सी ही इंट्रोड्यूस एन आइडिया दैट इज वुकिंग रिपोर्ट और दम्पलीट ब्लड काउंट रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट यू कैन ईजीली डिफेंशिएट Iron deficiency anemia from a beta, beta thalassemia, which is the important differential diagnosis for the microcytic anemia, okay? And then he's told that when you divide MCV, that is a main corpuscular volume by the red blood cell count, it will give you that index, which is known as a Mensa index. If the value is greater than 13, then it's most likely it's going to be the iron deficiency anemia. Okay, and if the count is less than thirteen, then it will be thalassemia. Obviously, we have to confirm, but this is a kind of a screening you can do. If you do, you are working in a limited resources, you can help your patient by using these indices and these uh, all these red cell indices to diagnose and go for the specific test. Okay us, all indices are going in which direction and how you are going to diagnose and what is your most probable diagnosis till now from these single one investigation of uh, CBC, okay. So that was the all concept about the all red cell indices, what is RDW, Menser index and how they're going to help you. And interestingly, the Menser index is uh, uh, very commonly used by the pediatrician uh, just to because anemia is also very much prevalent in our country under the five years. Uh, so they, they they use very frequently in their OPDs just to differentiate from the thalassemia from the iron deficiency anemia. Okay. Okay. Next, we will talk about iron requirements. Up iron requirement body. Ki pregnancy may और आयरन रिक्वायरमेंट्स की कंसनट्रेशन के ऊपर फिजोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी का क्या असर होता है जो आयरन रिक्वायरमेंट है सीरम आयरन फेरेटिन कंसनट्रेशन होती हैं सीरम की फेरेटिन कंसनट्रेशन होती हैं ये डिक्रीज कर जाती हैं क्यों डिक्रीज कर जाती है जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका वर्क लोड है डिमांड एंड वर्क लोड जो होता है वो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में ऑबियसली मदर नीड्स इट्स सेल्फ एन आल्सो बेबी नीड द आयरन एंड ड्यू टू द द अंडर इफेक्ट ऑफ द देशन उसकी वजह से भी कम हो जाते हैं इंटरेस्टिंगली जितनी बाइंडिंग uh, कैपेसिटी या बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं चाहे वो आयरन बाइंडिंग हो थायरॉयड बाइंडिंग ग्लोबलेंस हो या सेक्स कॉर्टिकोस्ट्रॉयड बाइंडिंग ग्लोबलेंस हो ये सब इंक्रीज़ हो जाती हैं प्रेगनेंसी में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजेंस आयरन रिक्वायरमेंट को क्या होता है यानी बॉडी की आयरन रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है जैसे मैंने आपको बताया है एंड इंटरेस्टिंगली फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपके थर्ड सेमेस्टर तक होते हैं टू मिलीग्राम पर डे से लेकर सिक्स सिक्स मिलीग्राम पर डे तक इंक्रीज़ हो जाती है और ओवरऑल जो टोटल प्रेगनेंसी में आयरन की कंजन होती है रफली सेवन टू फोर्टीन हंड्रेड मिलीग्राम टोटल प्रेगनेंसी होती है और इसको अगर कहा जाता है कि अगर आप प्लेसेंटा का वेट इसमें से निकाल दो और फीटस की रिक्वायरमेंट निकाल दो तो रफली जो बाकी ओवरऑल हो जाता है वो थाउजेंड मिलीग्राम तक होता है ठीक है वट हैपन टू फॉलो एट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट आयरन की लिए या आर बी सी के लिए या आयरन की डेपोसेशन इन टू दी सीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है आर्डली कहा जाता है कि जब भी हम अपने पेशेंट्स को हिमाटानेब करें तो कोशिश करें जिनके अंदर फॉलिक एसड हो वो हो हमारे यहाँ वैसे न्यूट्रिशन डिफिशेंसी बहुत ज्यादा है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पेशेंट को फॉलिक एसिड थ्रोट प्रेगनेंसी भी दे दें तो इसमें कोई हरज नहीं है यूर नॉट गोइंग टू हार्म ओके योर पेशेंट तो बेहतर है कि आप फॉलिक एसिड फॉलेट भी देना चाहिए सो फॉलेट के क्या होते B, 10, हैं कंसनट्रेशन को फॉलिक एसिड एंड जो बी टेल ये दोनों वाटर सॉलीबल वाइटमिन वाटर सॉलेबल वाइटमिनस का ये फायदा होता है कि ये अगर अपनी अमाउंट से सेड भी कर जाते हैं तो ये देयर नॉट गोइंग टू बी टॉक्सिक एज कम्पेयर टू द फैट सॉलेबल वाइटमिन तो फॉलेट के जो थे इंक्रीज हो जाते हैं प्रेगनेंसी में क्यों इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि uh, फीटस की यूट्रस की एक्सपेंडेड रेड ब्लड लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो नहीं होगा तो अच्छे हेल्थी सेल्स नहीं बन सकेंगे वाइटमिन बी ट्वेल्व के ऊपर जो है कोई मेजर इफेक्ट नहीं होता उसके स्टोर्स के ऊपर ठीक है और अंटिल uh, दो के कोबाला मीन ओवरऑल होता है लेकिन इसके स्टोर जो हमारी बॉडी में होता है जो लिवर के अंदर स्टोर हुआ हुआ था वाइटामिन बी ट्वेल्व उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो so, इसमें यह कि आयरन और फेरेटिन की कंसनट्रेशन जो हैं वो डिक्रीज कर जाती हैं एक यूटलाइजेशन होने की वजह से दूसरा हिमोडाशन होने की वजह से और जो आयरन बॉडी कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है आयरन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी इंक्रीज कर जाती हैं फर्स्ट सेमेस्टर में टू पॉइंट फाइव से सिक्स पॉइंट सिक्स मिलीग्राम थर्ड तक हो जाती हैं और फॉलेट्स भी जो हैं वो बॉडी में कंसनट्रेशन उनकी भी इंक्रीज हो जाती है अब हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर As I told you earlier, कि इट्स इट हैज डिफरेंट स्टेजेस जो अनिमिया की डेवलपमेंट है इस इट्स डेवलप इनटू डिफरेंट स्टेजेस ठीक है तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है सबसे पहले कि आयरन स्टोर्स रिड्यूस होते हैं ठीक है लेकिन जो सीरम आयरन लेवल्स हैं वो कम नहीं होते हैं अगेन वही जो हमें अभी साइकिल ड्रॉ किया था कि हाइपॉक्सिया होगा हाइपॉक्सिया के साथ तो जो है वो आपका रीनल एनजियोटेंसन जो है वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जो वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो हार्ट के ऊपर कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स करेगा वो एफर्ट्स करेगा तो क्या होगा कि अल्टीमेटली कार्डिक जो है वो कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करेगा टू कॉम्पनसेट दैट हाइपॉक्सिया ठीक है तो ये विशा सर्कल जब बहुत अरसे तक चलता रहता है और एट द सेम टाइम जब यहाँ पे रिनन एनजियोटेन किडनी जो है वो दो तरह के सिस्टम एक्टिवेट कर सकता है एक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को करता है और सेकेंडरी टू हाइपोक्सिया ये रिथ्रोपोयटिन भी रिलीज़ करता है जब रिपोर्थरोपोयटिन रिलीज होता है तो क्या होता है कि इनिशियली जो जितने आयरन स्टोर्स पड़े हुए हैं और आयरन स्टोर जो है वो आपकी बोन में भी होते हैं और फेराटिन जो है वो बोन में स्टोर हुआ हुआ होता है तो वो क्या होता है कि जब कंपल्सिट्री अनीमिया चल रहा होता है तो वो क्या करते हैं जो अपने घर के ही स्टोर्स हैं उनको यूज़ करके आर बना बना के सर्कुलेशन में फेंकने लग जाता है जिसकी वजह से जो आयरन स्टोर होते हैं अगर आपने उनको रिप्लेस नहीं किया और पेशेंट को हमने औरल हिमाटेनिक्स या उसकी बाहर से रिप्लेसमेंट नहीं स्टार्ट की तो एवेंचुअली क्या होगा कि पेशेंट विल विल लूज़ ऑल हर आयरन स्टोर ठीक है वंस आयरन स्टोर डिप्लीट हो जाते हैं तो क्या होता है स्टिल uh, थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि जिस तरह आर की डिग्रेडेशन हो रही है उससे फिर भी बॉडी जो है वो अपना कंपल्सिटी मैकेनिज्म के तौर पे काम चला रही होती है लेकिन उसके बाद क्या होता है दिस इज अनिशियल स्टेज अभी पेशेंट को इस स्टेज के ऊपर पेशेंट को क्या साइन सिम्टम आएंगे आप की वजह से फटीक होगी लिथार्जी होगी ठीक है जी और ल, ल, लो एनर्जी फील करेगा ये अनिशियल तीन सिम्टम्स होते हैं जब बॉडी कंपनसेट कर रही होती है अपनी ही हिमोग्लोबन अपने ही, ही, ही स्टोर्स जो हैं एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म में चल रहे होते हैं तो दिस इज द फर्स्ट साइन एवर फटीक लेथार्जी एंड लो एनर्जी उसके बाद क्या हुआ अब पेशेंट के पास अपने आयरन स्टोर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए जितना टर्नओवर था वो भी आस्ता ऐहि डिक्रीज होने लग गया हीमोग्लोबिन की बहुत कोशिश की बॉडी ने लेकिन इतनी नहीं बना सकी कि वो उसके आयरन स्टोर को बिल्डअप करे तो फिर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन अब फॉल करने लग जाती है जस्ट बिलो द नॉर्मल लिमिट दिस इज द फर्स्ट स्टेज और यहाँ तक अभी पेशेंट सिर्फ फटीग लिथारजी के साथ है हो सकता है अगर उसको पहले से प्रॉब्लम हो तो माइड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए नेहा क्लासिफिकेशन क्लास क्लास टू में आ जाए दैट इज न्यू हार्ट एसोसिएशन के लिए निमोनिक मैं यूज़ करीं तो दे कैन यूज इट लेकिन अभी तक पेशेंट जो है सिर्फ हमें डिस ख़राब नहीं हुए सिर्फ कम हुई है और उसके बाद जब यही सारा विश सर्कल जो है वो चलता रहता है चलता रहता है ओवर ओवर द कपल ऑफ ईयर तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पेशेंट सिग्निफिकेंट सिम्टम करने लग जाता है फिर हाइपोक्सिया बहुत सिग्निफिकेंट रहने लग जाता है जिसकी वजह से फिर उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एग्रीवेट हो जाता है किडनी की कंपनसेशन जो है वो रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम के ऊपर कार्डिक के ऊपर हार्ट हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा करी होती है सेकेंडरी टू द हाइपोक्सिया इंक्रीज कार्डिक आउटपुट ताकि कार्डिया की तरफ पेशेंट जाता है और अल्टीमेटली जो है वो हार्ट फेलियर हो जाता है दैट्स अ लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हार्ट फेलियर जो है एनीमिया की लास्ट स्टेज होती है और हम हम जो सारी ये कोशिश कर रहे हैं हम यही करते हैं कि हम हाइपोक्सिया के लेवल पे ही अपने पेशेंट को मैनेज कर लें ताकि हमें मज़ीद आगे पेशेंट की जो सिंपथेटिक सिस्टम सारे का सारा ओवर uh, एक्टिव हो रहा है कार्डिक हार्ट फेलियर में जा रहा है इसको प्रिवेंट करें वंस इन द हार्ट फेलियर में चला गया फिर तो आप पेशेंट को आप नहीं वापस ला सकते ठीक है तो ये सारी है इसकी पैथोफिजियोलॉजी ओके okay, अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं Uh, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेड सेल uh, जो है वो सिंथेसाइज कैसे होते हैं बॉडी में ठीक है तो जो रेड सेल्स होते हैं बोन मैरो में होते हैं आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है ठीक है कहाँ पे होती है बोन मैरो में होती है उसके लिए जो प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हो क्या क्या चाहिए होती है आपको आयरन और फॉलोइड चाहिए होता है रेड रेड सेल फिर डिस्ट्रीब्यूशन है प्लाज्मा वॉल्यूम है हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन है इन द सर्कुलेशन तो ये आरबीसी मैस जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है और इस आर बी बनने के लिए जो है वो आयरन की और फोलेट की और वाइटमिन बी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ओके फिर Uh, उसी के लिए मैंने आपको बताया कि जो आर डी डब्ल्यू का वर्ड यूज़ होता है फिर प्लाज्मा वॉल्यूम प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो गया तो हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन जो है वो कम होती है और ये सारे फैक्टर्स मिलके बिकॉज इसका विशेष सर्कल एक चल रहा है एफ सिस्टम हर सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है बॉडी के अंदर तो अगर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन इफेक्ट होगी तो वो सारे वाइटल ऑर्गन्स को यानी आपके हार्ट को लंग को वेसल्स को ऑक्सीजन कंजप्शन को करेगी और ऑक्सीजन कंजशन का आप लोगों को बहुत अच्छी तरह याद होगा हमारे बेसिक्स में है कि जो है वो राइट साइडेड शिफ्ट और लेफ्ट साइडेड शिफ्ट ठीक है ना कि कैसे ऑक्सीजन की जो है वो शिफ्ट होता है कर्व कैसे शिफ्ट होता है लेफ्ट लेफ्ट साइडेड पे क्यों जाएगा राइट right साइड पे क्यों जाएगा दर्ट्स एन डिफरेंट फिर हो जाता है ऑक्सीजन कंसनट्रेशन के ऊपर की हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी क्या है वो सारी चीजें क्या तो अल्टीमेटली किडनी ने रितना का कर, प्रोड्यूस करना है जो कि अगेंस्ट जमरेट करेगा बोन मैरो को और फिर वो रेड सेल मैस को इंक्रीज करेगा जो कि आगे फिर प्लाज्मा वॉल्यूम में ही वो ग्लोबल को बेहतर करेगा जब चीजें बेहतर हो जाएंगी तो दोबारा विशेष सर्कल स्टार्ट हो जाएगा एंड पैथोलॉजिकल इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा लेकिन अगर आपने नहीं किया तो पेशेंट विल सफर फ्रॉम ऑनीमिया ये वाली जो इंपॉर्टेंट पिक्चर है इट इज आर प्रोपोर्टेंट स्टेम सेल्स हैं ठीक है अगेन हमारे सेकंड ईयर बी का आपका नॉलेज यहाँ पे आपको थोड़ा अब uh, करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा जो प्रो स्टेम सेल्स होते हैं उनके तो पोटेंशियल होता है दे कैन बी एनी फॉर्म ठीक है जी और इसमें से स्टेम सेल्स में से तीन चीजें बन सकती हैं डब्ल्यू बी सीज प्लेटलेट एंड आरबीसी ठीक है और हर अपने प्रिकर्सर्स का नाम है जो बनाते हैं आर उनको कहा जाता है रिथ्रोसाइड जो है वो प्रिकर्सर्स और जो दूसरे होते हैं वो फर्दर जो है डिवाइड करते हैं आपके डब्ल्यू बना देते हैं और मेगा कैरियोसाइड होते हैं और प्लेटलेट्स बना देते हैं अब क्या होता है मैंने आपको बताया कि इस जो प्लू स्टेम सेल्स हैं ये बोन मैरो में यहाँ पड़े हुए हैं ठीक है ये यहाँ पे पड़े हुए हैं जब रिथ्रोपॉयटिन आता है इनको एक स्टिमुलस बनता है एट द सेम टाइम जो है अदर क, uh, जो सर्टेन uh, जो फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं एंड जो है वो रिथ्रोब्लास्ट प्रोरिपोर्टेट सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट होने लग जाते हैं इन टू द रिथ्रॉयड प्रिकर्सर सेल्स रिथ्रॉयड प्रिकर्सर सेल्स फर्दर जो है वो मिच्योर होते हैं इंटू द प्रो रिथ्रोसाइट के अंदर प्रो अरिथ्रोसाइट जो हैं वो बेजोफिलिक रिथ्रो बनाते हैं ठीक है उनके बाद जो है वो पोली क्रोमैटिक क्रोमैटिक रिथ्रोप्लास्ट बनते हैं एंड देन फाइनली जो है वो मिच्योर जो है वो रिथ्रोसाइट रेटिकुलोसाइट बन जाता है जिसको हम रेटिक्स काउंट रेटिक्स काउंट का एक वर्ड यूज करते हैं ये सारा काम जो है और जब रेटिक retic, जो ये रेटिकुलोसाइट बनता है उस टाइम के अंदर जाके इसके अंदर हीमोग्लोबिन और आयरन ने इनकॉर्पोरेट होना होता है अब ये जो मेच्योर रेटिकुलर साइट बन गया जब ये पेरीफ्र सर्कुलेशन uh, में आता है बोन मैरो से निकल के सर्कुलेशन में आता है तो वहाँ पे फर्दर फाइनल डिफ्रेंसीशन होती है और ये जो है ए न्यूक्टिड मेच्योर रिथरोसाइट बन जाता है ठीक है आप तो गौर करें तो यहाँ पे स्टेम सेल्स का इतना बड़ा न्यूक्लिया है क्योंकि ग्रेजुअली स्मॉलर 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 होते होते हो जाता है और शेप भी चेंज होती जा रही है दीज आर द बिग मिच्योर सेल्स एंड देन एलिप्टिकल एंड फाइनली जब मेच्योर होके आते हैं तो ए न्यूक्टेड रिथरोसाइट्स बन जाते हैं ठीक है तो ये जो बेसिक आपका नॉलेज है दिस इज गोइंग टू हेल्प यू की अब आपने जो आपको चीज सीबीसी बी की रिपोर्ट के ऊपर मिल रही है आरबीसी काउंट रेडेक काउंट आर डी डब्ल्यू एम सी वी ये उन सब की बेसिक्स है ये जो लाइफ साइकिल है ना ये सेवन डेज का होता है सात दिनों के अंदर एक जो सेल है वो तैयार होके वो पेरीफ्र सर्कुलेशन में सेवन डेज के अंदर आ जाता है लेकिन जब बॉडी के ऊपर वर्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो तो फिर क्या होता है कि सेल्स इतनी जल्दी मिच्योर होके नहीं आते तो वो क्या करने लगते हैं कि जो इमेच्योर सेल्स हैं वो सर्कुलेशन में जाने लग जाते हैं जिनकी वजह से आर ज्यादा हो जाता है जो कि इंडिकेट करता है कि पेशेंट जो है सफरिंग फ्रॉम द अनिमिया विच कैन बी अर इंडफिजेंसी अनिमिया ओके उसके बाद आ जाता है कि पैथोलॉजी क्या है देखिए पैथोलॉजी को समझने की दो बहुत इंपॉर्टेंट है या तो आप खर्ज ब्लड कहीं ना कहीं से लॉस हो रहा है ठीक है या आ आप खाने रहे हैं ठीक है थीके? या न्यूट्रिशन डफिशेंसी है या जो है वो एब्जॉर्बशन आपकेमे में कम हो रही है ठीक है तो ये तीन चीज़ें हैं अगर हम यहाँ से जी सिस्टम को थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं तो ये है स्टमक के अंदर आप आयरन में कहाँ पे बॉडी में एब्जॉर्ब होना होता है किसी को पता है ठीक है इसके साथ साथ ही अब आपने जो है ना इसको भी वेरी बैड ओके ओके okay. ठीक है ना तो जो आयरन की एब्जॉर्बशन है ऑब्वियसली इसकी दो ही रीजंस हैं या तो आपकी इंटेस्टाइन्स में कहीं ना कहीं से ये लॉस हो रहा है अब कहाँ जा रहा है वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज कि जी आयरन जा कहाँ रहा है ठीक है जिसमें वो जिसमें क्या हो सकता है कि आपके ब्लड uh, लॉस हो रहा है परेक्टल हो रहा है या कोई गाइनाकोलॉजिकल कॉज है या इसके अलावा वर्म्स हैं वर्म इंफेस्टेशन हुई हुई हैं उसकी वजह से हो रहा है या सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खा ही कम रहे हैं खा कम रहे हैं लूज ज़्यादा हो रहा है दो कॉज हो गई और तीसरा ये है कि कोई ना कोई जी का सिस्टम है कि ड्यूटिनम में जहाँ पर इसनेब्जॉर्ब होना होता है वहाँ पर इसकी एबजॉर्पन ही कम हो रही है सो so, ये जो है तीन इंपॉर्टेंट इसकी पैथोलॉजीज हैं आफिशंसी एनीमिया की ठीक है तो उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं कि तो है, the, है, 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 या तो ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द ओवर द्लड लॉस है हैं या पेशेंट को कोई इन्फ्लेमेटरी बॉब डिजीज है इसके अलावा एनल फिशर्स हैं या उसको कोई क्रॉनिक कोलाइटिस की बीमारी है जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस थ्रू स्टूल ज्यादा हो रहा है या वर्म्स है या इन्फेक्शन है वहां पे या ट्रॉमेटिक सर्जिकल लॉस है खुदा ना नहाजा कोई सर्जरी हो गई है या ट्रामा हो गया है या हेमरेज किसी किस्म का हो गया है तो उसकी वजह से दैट्स एन एक्यूट लॉस में आ जाएगा दूसरा है कि फेलियर टू मीट द इंक्रीज रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी में छोटे बच्चों में वैन दे आर ग्रोइंग अप एंड एडोलेसेंट में जो बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है स्टोर्स कम होते हैं अगर आप बाहर से नहीं रिप्लेनिश करें तो क्या हो जाएगा अनिमिया हो जाएगा Uh, बच्चियों में जो है एज ऑफ दे स्टार्ट उसकी वजह से साइकिल की वजह से प्रेगनेंसी में जो है वो रिक्वायरमेंट जाती है इसके अलावा इनएडिक्ड आयरन एब्जॉर्प्शन हो रही है ठीक है ना जो सोर्स है दो तरह के सोर्स होते हैं हीम होता है और नॉन हीम आयरन होता है तो वो क्या कर रहे हैं कि आप जो हीम आयरन है ठीक है जी वो नहीं खाते बहुत से बच्चियों को या फीमेल्स uh, को या अडल्ट को गोश्त नहीं पसंद होता विच इज़ अ हीम जो सोर्स है आपके आयरन का तो देर मोस्टली उन पे होते हैं या वेगन डाइट ले रहे होते हैं या न, जो है वो नॉन हीम आयरन को कंज्यूम कर रहे होते हैं जो कि उनकी बॉडी में स्टोर्स कम होते हैं या कोई जीआई आई डिजीज है यानी गर्ड है ट्रिटिनल अर्सर है या किसी की सर्जरी हो चुकी है तो दिस कॉट बी दसिस ऑफ एनीमिया ठीक है तो इजी टू मेमोराइज ये है कि या तो आपका लॉस हो रहा है आप खा कम रहे हैं या बॉडी रिक्वायरमेंट डिजीज की वो ज्यादा है ओके okay, अब हमने आयरन ले लिया आयरन को यूटिलाइज कर लिया अब इस आयरन आयरन ने कैसे अब्जॉर्ब होके और कैसे हमारी बॉडी की सर्कुलेशन में पहुंच के फायदा पहुंचाना है तो उसको हम यहाँ से समझ लेते हैं दैट्स आल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वाईवा क्वेश्चन Uh, uh, question here. aap ki long case ke point of view say because when a, you are going to have anemia in any case okay so whether it's an a comorbidity in a patient not the main problem but it's an existing over there then you have to manage and you have to answer all those questions related to it okay so the one of the very important question after discussing the red cell indices when you're talking about the serum iron total iron serum iron how you're going to my the serum ferritin and everything then the, the next question going, the, going, the question is going to be asked is that that is how iron absorbed in the body and what are the factors which are affecting this absorption okay so again you have to go to your basics and clear your concept iron absorbed we are too much into the clinicals तो हम बेसिक्स अपने बहुत भूले हुए होते हैं एंड uh, जब आप हमें इंटरक्ट करना होता है uh, these, अपने पार्ट टू के exam के एग्जाम लिए इट्स अ स्पेशलिस्ट एग्जाम सो यू हैव टू बी लाइक आपको अपना उसमें नॉलेज लेके चलना है ठीक है ना सारा आपने कंबाइंड uh, लेके चलना होता है अपने बेसिक्स और क्लिनिकल को और उसको एक्सप्लेन करके अप्लाई करना होता है ओके okay. सो so, इसमें मैं आपको बता रही थी कि जो आयरन है वो दो तरह का होता है हीम आयरन है जो कि आपका एनिमल सोर्स का आयरन होता है और नॉन हीम आयरन होता है जो कि वैगन सोर्स होता है वेजिटेबल्स की तरफ से सोर्स होता है जितनी प्लांट्स वेजिटेबल्स से हम खाते हैं दरअसल नॉन हीम आयरन अब आयरन रिच फूड आप जब भी कंज्यूम कर रहे हैं जो बॉडी से आपकी ऑब्जॉर्व होती है टोटल जितना भी ऑब्जॉर्व होता है वो टू मिलीग्राम तक होता है ठीक है जी बॉडी की कैपेसिटी है जितना भी आप खा रहे हो उसमें से बाकी सारा एंटेपेटिक सर्कुलेशन में निकल जाना है और सिर्फ आपके पास जो है डिजिनम में जाके टू मिलीग्राम एबजॉर्ब होना है जिसने आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट सारी की सारी पूरी करनी है तो जब आयरन जो है वो आपके डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके थ्रू जाता है और एबजॉर्ब होता है तो हम डिस्कस कर लेते हैं जो हीम आयरन होता है वो हीम ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू जाता है मोस्टली मोस्टली फेरिक फॉर्म होता है जो फेरस फॉर्म होती है वो इसकी जो है एब्जॉर्ब एबजॉर्बेबल फॉर्म होती है और जो ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म होती है अगेन इट्स अफेरिक फॉर्म होती है ठीक है तो ये जो आप खाते हैं हीम और नॉन हीम आयरन ये फेरिक यानी प्लस थ्री फॉर्म में होता है इट कॉस थ्रू द हीम ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू जाता है एंड यूटिनम में ठीक है जी और एबजॉर्ब होके इसको जो है मिकोजल फेराटिन जो है ये इसको ट्रांसपोर्ट करती है क्रॉस था ये ब्रश बॉर्डर्स होते हैं इंटेस्टाइन की यानी ये, ये जो इंटेस्टाइन मैंने ड्रॉ की है इसके इन साइड की ये हम पिक्चर दिखा रहे हैं यहाँ से जो है वो आयरन एब्जॉर्ब होगा ब्रश बॉर्डर के थ्रू क्रॉस करेगा एंड देन फेरोक प्रोटीन इज एन अदर जो ऑक्सीजन सॉरी आयरन कैरिंग प्रोटीन है वो इसको कैरी करती है और इसके दो पाथवे होते हैं जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन में ठीक है या तो ये जो है वो दोबारा से पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में चला जाता है लिवर में जाके इसके स्टोरेज हो जाते हैं और दूसरा इम्पोर्टेंट जो आपका आरे, जो आयरन की स्टोरेज होनी होती है वो जाके आपके रिथ्रॉइड मैरो में होनी होती है ठीक है ना एंड इसको जो प्रोटीन रहे हैं जो लेके जाती है जा, फेरोपोर्टिन ठीक है उसके थ्रू ये मिकोजल ब्रश बॉर्डर से आया उस कोजल फेरटे ने उसे ट्रांसपोर्ट किया कुछ जो है वो लॉस हो जाता है सेल्स वापस में ऑब्वियसली ठीक है जी और कुछ जो है बाकी मेजोरिटी अबाउट जितना टू ग्राम रह जाता है हम एवरी जो हम डाइट खा रहे होते हैं उसमें तकरीबन टू तकर मिलीग्राम होते हैं और जिसमें से दो ग्राम हमारे एब्जॉर्ब होता है बाकी फोर मिलीग्राम जो है वो आपके एंटेपेटिक सर्कुलेशन में ज़ाया हो जाता है तो जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो दो ही रोड रोट्स हैं उसके पास या तो वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो लीवर की तरफ चला जाए वहां पर हेल्प आउट कर दे स्टोरेज हो जाए या बाकी जो फेरेटिन है वो आपके पोन वेरो में चला जाता है और ये इसकी स्टोरेज स्पेसिस होती है ठीक है तो आप जो है फिर अगला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं या कौन सी डाइट्स हैं जो आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करती हैं ऐसी कौन सी डाइट्स हैं जो आपकी आयरन के ऑब्जॉर्प्शन को कम करती हैं तो आयरन ऑब्जॉर्प्शन को जो है आप अगर लें इसको जूस के साथ लें ले के साथ लें तो इसकी को बेहतर करती हैं कॉफी टैनन जो रोटी हम खाते हैं ब्रांड वाली ठीक है ये सारी इसकी को डिक्रीज़ करती हैं कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है जब भी आप अपने पेशेंट को बताना है काउंसलिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन है एस वेल कि आपने कभी भी उसे कहना है कि आपने इकट्ठे नहीं खाना एक वक्त पे पानी के साथ आयरन खाओ एक वक्त में जो है कैल्शियम uh, खाओ यूजअली कैल्शियम जो है वो दोपहर में खाओ पानी के साथ खाओ और जो आयरन है वो रात के टाइम आप लो और जो है रात के टाइम लेने का फायदा आयरन का ये भी होता है कि जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं ना एसोसिएटेड वो भी कम हो जाते हैं ओके okay. <coughs> अब हम आ जाते हैं पेशेंट की कम्प्लेन्ट्स के ऊपर साइन सिम्टम्स क्या क्या होता है तो पेशेंट जैसे मैंने आपको बताया जो पहला सिम्टम्स होता है वो होता है कि जर्नलाइज वीकनेस के साथ प्रेजेंट कर रहा है ठीक है जी पेशेंट हैं कि मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है मेरे अंदर जान ही नहीं है मेरा दिल ही नहीं करता फिर उसके बाद उसे क्या होता है फटीक होती है लथर्जी हो जाती है पेल्पिटेशन हो जाती है और जनरलाइज वीकनेस हो जाती है तो दीज आर द फर्स्ट साइन अर्लीस्ट साइंस ऑफ हाइपॉक्सी के जब बीमारी है एट द लेवल ऑफ हाइपॉक्सिया होती है उसके बाद क्या होता है कि दूसरी इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट की रीजन कोई भी हो सकती है कि क्रॉनिक ब्लड लॉस है डेफिशिएंट है डाइट मेल मेल नरिश्ड है मेल एब्जॉर्पन है डिजीज है क्रॉनिक डायरिया की हिस्ट्री है सेकेंडरी टू जीआई प्रॉब्लम्स। तो जब डिजीज एडवांस हो जाएगी और हमारे पॉक्सिक लेवल से जाके ज्यादा हो जाएगी तो उस टाइम के ऊपर पेशेंट को जो सिम्टम्स आने लग जाएंगे पैलर का मतलब है कि नाउ द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिजीज हैज़ बीन फॉर सो लॉन्ग कि अब वो पैथोलॉजिकल साइन कॉज करने लग गई है कि बॉडी कंपल्सटरी मैकेनिज्म से निकल आई है नाउ इट्स गोइंग टू फॉर द पैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल डायरेक्शन तो इसका मतलब है जब आपको साइंस में लेने लग जाते हैं तो तब आपको समझना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिज़ीज़ काफ़ी ज़्यादा है और अब डिजीज़ पुरानी हो चुकी है ठीक है जी तो आपको क्या क्या पेशेंट में मिल सकता है साइन में पैलर हो सकता है काइलोनिया होता है कायलोनिया क्या होता है कि स्पोन शेप नेल हो जाते हैं ब्रिटल हो जाते हैं लेकिन अगेन इट्स नॉट एन ऑनसेट नहीं होता दो तीन साल तक पुरानी बीमारी चलती रहे जहाँ पे पेशेंट की आपने रिप्लेनिश भी स्टोर नहीं किए जो अपने थे वो खत्म हो गए तो अब जो है बॉडी मेकेनिज्म के ऊपर जो है इफेक्ट्स आने लग जाते हैं फिर कहीं जाके स्पोन शेप नेल्स होते हैं इतनी जल्दी नहीं होते इसके अलावा एट्रोफिक ग्लोसाइटिस हो जाता है ठीक है जी यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं जो टंके पे, पे पेला होते हैं वो होने लग जाते हैं तो जब भी ये के पेशेंट्स आप देख रहे हो तो आप ग्लोसाइटिस के ऊपर ज़रूर कम करो और कीलियोस भी हो जाता है ये जो आप एंगल देख रहे हैं ना जो बहुत पेशेंट बहुत लंबे अरसे तक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो वो यहाँ पे भी उनके कीलियोस हो जाता है इन्फ्लमेशन हो जाती है तो दिस इज नोनिस एट्रोफिक गटिस जो पेपीला होते हैं हमने पढ़े थे फोर डिफरेंट टाइप के पेपीलाज होते हैं टिप के ऊपर आपके सॉल्ट को स्वीट को और ये सारे इटेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से उनकी एट्रोफी हो जाती है जिसकी वजह से टंग स्मूथ और शाइनी नजर आ रही होती है कभी अब पेशेंट एग्जामिन कीजिएगा तो यू विल नोट कि जिसको बहुत क्रॉनिक होता है उसमें ये परमिनंट आपको चीजें नज़र आएंगी द फोर्थ वन इज अ पाइका पाइका का क्या मतलब है कि नॉर्म एब नॉर्मल चीजें खाने को दिल करता है ठीक है और पाका पाइका की रीज़न क्या होती है अगेन रीजन इज जो क्रॉनिक हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया जब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है तो वो क्या करते हैं ब्रेन में हमारे हारमोन्स हैं दैट इज डोपाम और गाबा तो उनका जो बैलेंस है वो चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से जब डोपिनर्जिक जो आपके न्यूरो ट्रांसमिटर्स है जब उनका लेवल चेंज होता है तो वो आपको क्रेविंग्स आती हैं। द ब्रेन एबनॉर्मल कच्ची मिट्टी खा लो कच्ची चावल खा लो नॉर्मल रूटीन में तो कोई नहीं खाता ना तो पाइका इज अ ना एबनॉर्मल क्रेविंग और कंपल्सिव ईटिंग फॉर द नॉन फूड आइटम्स और इसके अलावा कुछ लोगों को जो है वो टैगोफेगिया हो जाता है यानी उनका बहुत दिल करता है बर्फ खा लो बर्फ खा लो तो दिस इज आल्सो अनदर वन व्हिच इज अ कंपल्सिव ईटिंग ऑफ आइस तो ये मैम प्लीज रिपीट दिस पाइका पैथोफिजियोलॉजी ओके सो पाइका के मैं आपको ये बता रही थी जिस तरह आपने अगर शुरू में लेक्चर में लिया था लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन साथ-साथ में मैं आपको ड्रॉ करती जाती हूं तो so, इसमें हमने बात की थी कि अनिमिया की जो पैथोजेनेसिस है उसमें ये विश्व सर्कल याद रखना है आपने हमेशा दिस इज हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हुई जिसकी वजह से उसने किडनी को स्टिमुलेट किया किडनी की स्टिमुलेशन की वजह से फर्दर क्या हो गया हार्ट की स्टिमुलेशन हो गई ठीक है और हार्ट अगर अनकम्पल्सट्री रहेगा तो एंड स्टेज क्या होगी हार्ट फेलियर में चले जाएगा और दिस इज अ विश्व सर्कल जो चला जा रहा है अगर तो हमने इस लेवल के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो हमने इन सारी चीजों को एड्रेस uh, कर लिया ठीक है अगर चीजों को नहीं किया और बहुत अनकंट्रोल रहता ही रही डिजीज तो फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज के ऊपर आपके पास एट्रोफिक्ल ग्लोसाइटिस वगैरह आ जाता है एट द सेम टाइम हाइपोक्सिया जो है वो आपके ब्रेन के ऊपर एक्ट करता है ठीक है ये हमारा ब्रेन है फॉर एग्जाम्पल तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपको पता है दो तरह के होते हैं डोपा होते हैं और गाबा होते हैं ठीक है इसके अलावा जो सिम्पथैटिक है वो तो डिफरेंट है ना डोपा में एनर्जिक गाबा गा जो होते हैं ये हमारे न्यूरो होते हैं नर्व एंडस के ऊपर ठीक है अब ये न्यूरो का क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि ये आपके सर्टन बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं योर हैप्पी मूड योर बैलेंस बिटवीन द थॉट्स और हर चीज को तो जब डोपा में एनर्जी यानी डोपा और डोपा मेरा कहने का डोपा से कहने का मतलब है डोपा में जो न्यूरो होते हैं और गाबा का अल्लाह तला ने एक मेकनिज्म बैलेंस रखा हुआ है ठीक है ना जब ये बैलेंस होता है तो यू फील हेल्दी यू नॉर्मल आपका करता है लेकिन जब ये बैलेंस खराब हो जाता है यानी कम हो जाते हैं तो आपका दिल करता है कि आप नॉर्मल नॉन फूड आइटम्स खाने लग जाएं ठीक है पाइका में कि आप नॉन फूड आइटम्स खाने लग जाएं जिसमें हमें कह रही हूँ कि आप पेशेंट का दिल करता है अक्सर पेशेंट कहते हैं मैं कच्ची कच्ची मिट्टी खाती हूँ मैं कच्चे चावल खाती हूँ और इसके अलावा वो जो है कुछ लोगों का बर्फ खाने को दिल करता है तो दिस इज नो पैगोफेगिया एंड दीज आर बोथ बिहेवियर्स आर ड्यू टू द आयरन डफिशियंसी एंड आयरन डफिशियंसी सेकेंडरी टू विल लीड टू द डिस्टर्बेंस इन द न्यूरो जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर भी ये एक बिहेवियल चेंज आ जाता है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर द क्रोनिक आयरन डिफिशियंसी क्लियर ओके okay. तो अब हम हाँ अगले इसकी चीफ अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं होप कि यहाँ तक आप लोगों को अपनी डिजीज की समझ आ गई होगी सो सिम्टम्स क्या, क्या होंगे ओके yeah. okay, जी uh, उसके बाद आ जाते हैं सिम्टम्स के ऊपर बात कर लेते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फिटीक लथार्जी उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आता है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है शॉर्टनेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का क्या मतलब है जो वो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की चार क्लासिफिकेशंस हैं वो आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए कि जी रेस्ट पे कोई सांस नहीं फूलता कुछ नहीं होता सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो दैट्स अनेहा क्लासिफिकेशन टू आ जाता है घर के काम करते हुए थक जाती हूँ ठीक है जी और इन बिटवीन मुझे रेस्ट करना पड़ता है तो दिस इज़ क्लास स्टेज थ्री आ जाता है और फोर्थ ये है कि मुझसे कुछ नहीं होता मैं सारा टाइम ही लेटी रहती हूँ और घर के कोई काम काज नहीं कर सकती ठीक है जी और लेटे लेटे भी मेरी सांस सांस फूलती है मुझे तकलीफ होता है तो ये क्लासिफिकेशन फ़ोर है थ्री और फोर जो है सवेर डिजीज़ होती है वन और टू जो है वो माइल्ड कैटेगरी में आ जाती हैं मतलब वन तो ऑब्वियसली नॉट लेकिन टू जो है वो माइल्ड कैटेगरी में आ जाती है तो उसके बाद पेशेंट मैंने आपको बताया कि शुरू के, के सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं लिथार्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ठीक है उसके बाद जब हाइपोक्सिया अगर आपने देखा हो बहुत अरसे तक रहे तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो जब ब्रेन के ये जो हार्मोन्स का भी मैंने आपको डो, डोपामीन और गाबा का इंबेलेंस बताया डोपा पे स्पेशली इफेक्ट ज़्यादा होता है तो क्या होता है इरीटेबिलिटी होने लग जाती है पेशेंट इरीटेट होने लग जाता है हर बात उसे बुरी लगती है बिला वजह हर बात पर गुस्सा आने लग जाता है बाकी बॉडी की फिटीकोथारजी वो तो चल ही रही है और अब जो डिजीज इतनी प्रोग्रेस कर गई है तो अब उसने हार्ट को इन्वॉल्व कर लिया जैसे मैंने आप लोग को बताया कि कार्डिक आउटपुट जो है वो अब हो गई है कार्डिक आउटपुट जब ज्यादा होने लग जाती है तो उसको करने के लिए हार्ट अटैक की कार्डियो में चला जाता है से। तो अक्सर सुना होगा कि मेरा सांस फूलता है दिल की धड़कन तेज हो जाती है बैठती हूँ तो ठीक हो जाती है तो दिस इज द साइंस इसका मतलब है कि ना इस अ ईयर हो गया कि पेशेंट को ये सारी बीमारियां चल रही थी ठीक है ना फौरन से नहीं डिवेलप होता यानी हाइपोक्सिया होने से लेके फटीग लिथाजी डिजीनेस सब कुछ होने तक सिक्स मंथ्स लेता है एंड देन व्हेन द हार्ट दार्टॉल्व तो रफली अगले छः महीने में तो इट्स बीन अ ईयर रफली इफली जैसे ना मैं आपको अपना वो नॉलेज की बेसिस पे बता रही हूँ तो फिर कहीं जाके पेशेंट्स के, के अंदर फेल्पिटेश होती हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और अगर बहुत एक्सट्रीम हो जाए तो फिर चेस्ट पेन शुरू होने लग जाती है ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता साइंस के ऊपर वही है पेल्पिटेशन की वजह से टेकिकार्डिया मिलेगा आपको सवेर पेल मिलेगा मोस्ट प्रोमिनेंट कंजावा पे होगा ओके डिक्रीज मेंटल एक्विटी अगेन सेकेंडरी टू द डोपीन जो डोप एनर्जिक न्यूरो ट्रांसमिटन के लेवल कम होने की वजह से एंड अगर जो कार्डिक आउटपुट वक्स जरूरत से ज्यादा वक्त हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए वहाँ पे जो है वो एडिड मरमर्स आ जाते हैं ठीक है जब फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो रिनन एनजें सिस्टम जब कंपेंसेशन करने के लिए फिजो कंस्ट्रिक्टन करता है तो वो प्री लोड बढ़ा दे जब प्री लोड बढ़ जाएगा तो हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा जाएगा वर्क लोड जाएगा उसको कंपनसेट करने के लिए जो है जब हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन होगी तो आपको एक मरमर सुनाई देगा ठीक है जो कि सिस्टोलिक मरमर जिसको हम कहते हैं कि थ्रोट आता है इन्वेस्टिगेशन जी हम क्या क्या कराएंगे अभी तक मैंने अपने पेशेंट को देख लिया डिटेल मुझे समझ आ गई कि अनीमिया की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं अनीमिया होता क्या है डिफरेंट टाइप क्या है प्रेगनेंसी में रेंजेस क्या क्या हैं और साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं अब मैं कैसे कंफर्म कैसे करूं जो मैंने अभी तक हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे, पे पेशेंट को देखा है तो उसमें पे आप फिर क्या कराएंगे आप सी बी कराएंगे ठीक है जी ई एस आर जो है अटल इटनेस प्रोवाइडर अदरवाइज यूअर थिंकिंग फॉर द क्रॉनिक एनीमिया नॉट रिकमेंडेड और फिर फिल्म और सी बी सी तो सबसे पहले आप करवा लेंगे ठीक है ऑब्वियसली इस केस में आपको पेशेंट का ब्लड ग्रुप और आर एस फैक्टर जरूर पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप भी प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद जो है हम सिरम फेरेटिन के लेवल्स कराते हैं नॉट डायरेक्टली गो फॉर सीरम आयरन प्रोफाइल ठीक है जी और एंड में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो फिर हम जो है वो बोन मैरो स्टडी कराते हैं लेकिन अगर अगर सीक्वेंस में आपसे बात करूं अगर मेरी इन्वेस्टिगेशन का सीक्वेंस होगा तो सबसे पहले मैं ब्लड ग्रुप पेशेंट का मांगूंगी स्पेशली इसमें ठीक है ब्लड ग्रुप के बाद आपके पास दूसरा आ जाएगा सी बी सी कम्प्लीट ब्लड काउंट इंक्लूडिंग हीमोग्लोबिन टीएलसी ठीक है जी हीमोग्लोबिन आ गया टीएलसी आ गया प्लेटलेट्स आ गए और इसी के साथ ही फिर मैं क्या करूँगी अगर एच पी से का मुझे एग्जामिनर ने बताई अविलासर मीन कारपेस्कुलर वॉल्यूम मीन कारपेस्कुलर हीमोग मीन कारपेस्कुलर हीमोग कंसनट्रेशन एंड देन इफ ऑल इंडस्ट्रीज आर लो आई कैन गो देन आई हैव टू डिसाइड आज फॉर सीरम हीमो मैंने uh, concern, क्या मांगना हैरेटिन मांगना है या थेलासीमिया की तरफ मेरा डायग्नोसिस जा रहा है दिस इज ऑल योर सेंसिबिलिटी वाइल यू आर टॉकिंग ओके देन सीरम फैरेटी है इट्स मोर स्पेसिफिक सिंगल टेस्ट है जो हमारी मैनेजमेंट को पूरा चेंज कर सकता है उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आ सकता है जो बेसिक होती हैं ये तो आप लोगों को पता है ना दो तरह की इन्वेस्टिगेशन होती हैं हैं बेसिक होती है, होती स्पेसिफिक हैं फिर उसके बाद बेसिक्स में अभी आपके पास यहाँ पे यूरिन आ रही आपने क्योंकि सीरम फेरेटीन मांग लिया तो यहीं पे स्टूल का भी पूछ लें ठीक है फिर यूरिन आर -E मांगेंगी फिर बी एस आर मांगेंगी और फिर सब हेपेटाइटिस प्रोफाइल मांग लेंगे तो ये अभी तक स्टूल आर के इंक्लूडिंग के साथ साथ आपका यहाँ तक सब कुछ हो जाएगा ठीक है अभी तक अगर आप आपको आयरन डिफिशेंसी अलीमिया लग रहा है तो ये बहुत है आपके लिए इसके साथ अगर कोई पेशेंट को कोई और मोबिडिटी है इट्स नॉट ओनली एनीमिया, तो फिर आप जो है फर्दर टेस्ट मांगेंगी और ऑब्वियसली बच्चे के लिए जो है आप उसका ग्रोथ स्कैन मांगेंगी उसका बुकिंग स्कैन मांगेगी उसका नॉर्मली स्कैन मांगेगी कि कार्डिक डिजीज एनीमिया की रीजन क्या है अभी तक हमने क्योंकि आयरन डिफिशियमिया की बात कर रहे हैं तो अभी तक हमने सिर्फ यही अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन मांगी है इससे ज्यादा हम नहीं करें ओके okay. उसके बाद क्या होगा कि जब हमने इन्वेस्टिगेशन मांग ली तो फिर हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन की बेसिस के ऊपर आ गया अब हमने पेशेंट को मैनेज करना है ऑब्वियसली उसके लिए जो है अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इट्स आयरन डिफिशेंसी एनीमिया तो क्या क्या होगा मैंने जैसे हम लोगों ने डिटेल पहले डिस्कस किए थे ये सारे रेड सेल इंडसिस दैट इज एम सी वी एम सी एच ठीक है जी एम सी वी एम सी एच एम सी एच सी अब ये देखें ये सारे लो हैं ठीक है ठीके? ये सारे लो हैं ये ग्राम्स पर लीटर में इसलिए आपको ये थ्री सेवेंटी और टू नाइनटी नजर आ रहा है अदरवाइज ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन टू थर्टी सेवन तक आप इसकी रेंज ले सकते हैं अगेन ट्वेंटी फोर से थर्टी पाइवोग्राम होता है और ये फेमटोलीटर होता है हमेटोक्रेट भी कम होगा हीमोग्लोबिन भी कम होगा तो सारे हैं लेकिन ये जो मेन इंडस्सीज हैं ना ये आपको फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन पे हेल्प करते हैं कि आपने सीरम फैरिटिन मांगना है या हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफ्रिस मांगना है और ये थी हमारी आर डी डब्ल्यू आर डी डब्ल्यू की

हमारे पास क्या आ जाता है लैब uh, इन्वेस्टिगेशन में सीरम फेरेटिन है 50 टू 100 माइक्रोग्राम पर डेसी इसकी नॉर्मल रेंज होती है उसके बाद सीरम फेरेटिन है इट शुड बी ग्रेटर देन 10 टू 20 माइक्रोग्राम पर लीटर होने चाहिए और आयरन डिफिशेंसी एनीमिया में ये सारे काम हो जाते हैं ये आगे फजी डिस्क्रिप्शन है कि सीरम आयरन का जो कमेंट्स हैं कि ये कंसनट्रेशन Uh, जो है ऑफ द बाउंड टू ट्रांसफेरेंट प्रोटीन है जो कि आयरन को ले लेके पूरी बॉडी के अंदर घूम रही होती है ठीक है जी और क्योंकि जितनी बाइंडिंग हैं उनकी कंसनट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो आपको पेरेंटली इसके लेवल जो है वो नहीं इंफेक्शन या इन्फ्लमेशन में इसके लेवल कम हो जाते हैं बट बेस्ट इंटरप्रेशन जो इंटरप्रिटेशन होती है वो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के साथ हम इसकी करते हैं हम सीरन आयरन को अकेले के ऊपर कमेंट नहीं करते लिहाजा इस टेस्ट को हमें करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता हम पेशेंट को सिर्फ ओवर बेटा नहीं करते हैं फेरेटिन जो है स्टोर्ड आयरन की बॉडी में शो करता है कि टोटल आयरन स्टोर्ड बॉडी के अंदर कितने ज्यादा पड़े हुए हैं कहाँ पे स्टोर होता है बोन मैरो में और लिवर में बेस्ट इंडिकेटर है आपकी आयरन डिफिशेंसी एनीमिया या ओवरलोड का तो सिंगल टेस्ट जो है यह आपको बहुत ज्यादा जो है वो डायग्नोसिस की तरफ ले जाता है इसलिए इसको बहुत ज्यादा आयरन डिफिशेंसी में सिंगल बेस्ट टेस्ट कंसिडर किया जाता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेशन में ये ज्यादा हो सकता है ठीक है जी और इसका जो ज्यादा होने की रीज़न होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आयरन स्टेटस होती है ठीक है उसके बाद टीआई बी सी है यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये जो है इनडायरेक्ट मेजरमेंट है जो है वो सीरम ट्रांसपेरेंट की यानी जो प्रोटीन आयरन को ले लेके फिर ये पूरी बॉडी के अंदर ये उसका इनडायरेक्ट जो है वो मेजरमेंट हमें शो करती है इसके लेवल जो हैं वो फ्लक्चुएट नहीं करते ओवर और डेज अनलाइक लाइक सीट तो इस अगर आपने चेक करना है तो आप टी ए बी सी करवा लो ये भी आपसे कि आप टी ए बी सी क्यों करवाओगे तो इसका आपके पास आंसर है कि इसके लेवल फ्लक्चुएट नहीं करते अनलाइक सीरम आयरन की तरह तो ये मुझे इनडायरेक्ट जो है वो एक एस्टिमेशन दे देगी क्या बॉडी में आयरन कितना पड़ा हुआ है राधा दिन के सीरम फेरन आयरन के लेवल्स में कराऊँ तो मैं बेहतर है कि ये करा लूँ उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर्स की एक बात होती है ठीक है जी ये आपको सबसे अच्छा जो है वो टेस्ट होता है बेस्ट टेस्ट होता है जो आपके सीरम आयरन के लेवल के बारे में बताता है लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में होता नहीं है और होता है तो एक्सपेंसिव बहुत होता है तो इसको भी हम नहीं करते लेकिन अगर आप इंटरनेशनल जितनी बुक्स पढ़ें या उसमें लिखें तो उन्होंने जो है वो जो पर सेचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरन या जो रिसेप्टन रिसेप्टस का जो टेस्ट होता है टी उसको बहुत रिकमेंड किया जाता है ओके सो नाउ टिल नाउ हम वी स्टार्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन टू द टू डिफरेंट टाइप्स एंड देन इसके साइन एंड सिम्टम एंड पैथोफिजोलॉजी को डिटेल करके नाउ वी एट द आफ्टर डिस्कसिंग द एंडस नाउ वी एट द कंक्लूजन के जी अनिमिया को आपने अप्रोच कैसे करना है तो दैट्स आपको समराइज फॉर्म में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले अगर यूफ आपको लगता है कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फ्रॉमी तो पहली चीज़ जो आप इंडिस में देखेंगे वो मैंने आपको बताया था एम देखेंगे कम है नॉर्मल है हाई है अगर कम है तो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होता है अगर मेरे सारे इंड मैंने आपको बताया कम आ रहे हैं तो फिर हम क्या कराते हैं हम फिर हम जो है वो सीरम फैरिटिन की तरफ जाते हैं डायरेक्टली हम इस लेवल को बाईपास कर जाते हैं ठीक है <coughs> अगर तो एम सी एम सी बी भी कम है एम सी एच सी भी कम है नॉर्मल है या एम सी एच सी जो है वो नॉर्मल है या कम है या एम सी एच सी नॉर्मल है ठीक है तो फिर मेरे पास चांसेस हैं आई कैन गो फॉर हीमोग्लोबिन एलेक्ट्रोफ्रीसिस यहाँ ये सारे नॉर्मल हैं तो फिर मैं क्या करूँगी कि फिर मैं सोचूंगी कि ये इसको थेलासीमिया तो नहीं है फिर मैं क्या कराती हूँ हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफ्रेसिस कराती हूँ हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफ्रेसिस की जो रिपेट होती है उसके ऊपर दो चीजें आपको तीन चीजें मिलती हैं एफ के ऊपर कमेंट होता है ए होता है ए टू होता है ठीक है एफ हीमोग्लोबिन फीटल हीमोग्लोबिन ए एडल्ट हीमोग्लोबिन और ए टू अगर ए टू के लेवल जो है ना एक्सक्यूज मी ग्रेटर तो इट्स मोस्ट थैलेसीमिया माइनर है अगर नॉर्मल है या 1.5 की तरफ हैं तो दो चीजें हो सकती हैं या तो अल्फा थलासीमिया या फिर पेशेंट नॉर्मल है तो फिर आपको जो अल्फा थेलासीमिया को यू हैव टू ट्रेस फ्रॉम द फैमिली स्टडी से हम ट्रेस करेंगे कि इसको है कि नहीं है ठीक है लेकिन अगर आपको आयरन डिफिशेंसी का शक पड़ा है तो हम ये दोनों टेस्ट नहीं करवाते हैं वी डायरेक्टली गो टू द सीरम फेरेटिन एंड हम अपना डायग्नोसिस कंफर्म करके बता देते हैं अगर उसके लेवल नहीं है स्टोर्स कम नहीं है और एंडिस सारी कम है यानी एमसीवी कम है एमसीएचसी कम है तो मेरा मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस यही होगा ओके okay, अब दूसरा चैलेंज ये आता है अभी हमने बात की थी जब मैं आपको पताफिजोलॉजी तो बनाई थी रेटिकुलोसाइट काउंट के ऊपर ठीक है जी नॉर्मल एमसीवी है और उसके बाद अब मैं क्या करूँ अब मुझे डायग्नोसिस पे पहुँचना है तो मैं क्या करूँगी जो मैंने सीबीसी की रिपोर्ट देखी है उसके अंदर मुझे हीमोग्लोबिन के बिल्कुल नीचे ही यहाँ पे शो किया हुआ होता है दैट इज़ अ हमेटोक्रेट लिखा हुआ होता है ठीक है उसके बाद मेरे पास रेटिक काउंट लिखी हुई होती है रेटिक्स के नाम से ठीक है तो मैं रेटिक्स काउंट को एज अ यूज करूंगी टूल और उसके ऊपर मैं देखूंगी कि रेटिक्स काउंट कैसी है, count usually 1 to 2 तक होती है। अगर ग्रेटर देन टू हो तो इसका मतलब है कि ये आपको अगेन बता रही है कि रेटिक्यूलोसाइड्स आ रहे हैं बॉडी के अंदर यानी बोन मैरो सेल्स बना बना के सर्कुलेशन में फेंक रही है इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है यानी बोन मेरो आपका स्टोर है आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो यूटिलाइजेशन की जगह डिमांड की जगह है फैक्ट्री से बन बन के ज्यादा आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं वाई क्यों डिमांड ज्यादा हुई हुई है या तो निकल रहे हैं या एब्जॉर्ब नहीं हो रहे या यहाँ टूट फूट रहे हैं हेमोलिसिस हो रहा है ठीक है तो फिर रेटिक्स काउंट के साथ जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी हेल्प हल, करती है वो आपकी पेरफर फिल्म करती है फिल्म के ऊपर आपको पता चल जाता है अगर हिमोलिसिस हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं टीय ड्रॉप सेल्स हैं शिस्टोसाइड्स हैं ठीक है जी और टारगेट सेल्स हैं तो हैंडिकेट यू अड स्पेक्ट्रम हिमोग्लोबिनोपैथीज की तरफ फिर हम चले जाते हैं ठीक है ना जिसमें पेरेग्जिस, हीमोग्लोबिन यूरिया आ जाता है है आ जाता हैमोग्लोबिनोपै आ होते हैं इसके अलावा ये ड्रग्स हैं या ऑटोम्यून है, डिजीज हैं जी सिक्स पी डी की डिफिशंसी है जो हमारे यहाँ तो कम होती है लेकिन अब्रॉड में अफ्रीकन अमेरिकन में बहुत कॉमन होती है जब उनको मलेरिया हो जाए तो उनके ऊपर सुपर हेमोलोस होने लग जाता है तो अगर तो मेरी एम सी बी नॉर्मल है तो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगी मैं सी बी सी की रिपोर्ट में हमेटोक्रेट को देखती हूँ अगर एम सी बी कम है और एंडफिशंसी का है तो फिर मैं आर डी डब्ल्यू को रिपोर्ट में देखती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी मेरे डायग्नोसिस की तरफ और मुझे पता चल जाएगा कि मैंने सिंगल बेस्ट टेस्ट से अपना कैसे पेशेंट को डायग्नोस कर लेना है अगर तो रेटिकुलोसाइट नॉर्मल है या लो है तो फिर क्या रीज़न हो सकती है ठीक है जी अब मैंने रेटिक्स काउंट भी देख लिया वो भी ठीक है तो इसका मतलब है कि इट्स अ मोस्ट लाइकली अनिमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज या बोन मैरो के वो अपने अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है प्लेजिया हवा हुआ है प्लास्टिक अनीमिया की तरफ है या माइल्ड है अभी आयरन डिफिशंसी अनिमिया शुरू की स्टेज में जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया उसके बाद अगर एम सी वी ग्रेटर लीटर है यानी अब मेगेलो प्लास्टिक की जो हमने बात की थी तो फिर उसमें हमारे पास दो ही चीज़ें हैं हमने पेरेफ्रोफिल्म तो सी बी सी के साथ करवाई करवाई हुई थी ठीक है जी तो फिर उसके बाद मैं क्या करवाती हूँ सुपर इम्पोटेंट अगर मुझे फिल्म के ऊपर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिल जाते हैं तो ये फोलेट और बी टोल्व डिफिशंसी मेगेलो प्लास्टिक की तरफ ज्यादा दे जाते हैं तो अगर तो मेरा पेशेंट फोर्डिंग है तो मैं सीरम फोलेट या स्पेसिफिकली रेड सेल सेल्फोलेटो बी के लेवल करा लूंगी अगर नॉन अफोर्डिंग है और मुझे डायग्नोस्टिक चीजें मिल रही हैं यानी आपको यहाँ से यहाँ ये भी एम सी वी एच सी वी भी सही मिल गया फिर मुझे जो है वो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी फिल्म मिल गया तो बस डायग्नोसिस हो गया तो मैं पेशेंट को एम्पेरिकल थेरेपी स्टार्ट करा दूंगा ठीक है सो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल फॉर पेशेंट बेस्ड पॉन द रेड सेल इंडेस एंड सी बी सी की रिपोर्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड वी शुड स्टार्ट लर्निंग इट फ्रॉम द हार्ट कि हमने इसको कैसे अप्रोच करना क्लियर जी यहाँ तक आप लोगों के लिए okay. अब हम आज कर लेते हैं मैनेजमेंट के ऊपर आई बी ट्राई टू बी क्विक ऑन द मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ ठीक है जी के so um, आप लोगों को जरा टॉपिक जो है वो um, समझ आ जाए होपफुली क्या फुलफिल द पर्पज सो फॉर ओके तो देखिए मैनेजमेंट जो है प्रेगनेंसी में हमारी जो है वो बहुत डिपेंड करती है कि मैंने किस पेशेंट की किस जेस्टेशनल एज ए, एज के ऊपर मैनेज करना है गायनी में हमारे ये बहुत ज्यादा ऑप्शेटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैनेजमेंट गोल दो तरह के होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं लॉन्ग टर्म होते हैं शॉर्ट टर्म में गोल में क्या है कि आप सिर्फ सिम्टम्स को रिजोल्व करना चाह रहे हो और आयरन स्टोर्स को रिस्टोर करना चाह रहे हो तो उसके लिए आई कैन गो फॉर दिमिटैनिक्स ठीक है जी दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रही हूँ मैं रिकरेंस को इम्प्रूव करना चाह रही हूँ और मैं स्पेशली बच्चों में पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर ग्रोथ और डेवलपमेंट चाह रही हूँ लेकिन क्योंकि एज मैं एज आई टोल्ड यू एटोल्डियर कि हमारी पेशेंट जो होती हैं फीमेल्स जो होती हैं वो मेल नरिश्ड होती हैं दे एंटर इन टू द प्रेगनेंसी विदाउट एनी प्री प्रेगनेंसी वर्कअप एंड एनी विदाउट एनी डाइट्री काउंसलिंग तो देर ऑलरे ऑलरेडी जो हैं वो अनिमिक होती हैं तो उसमें फिर हमारे पास जो है ना उनको ट्रीट करने के दो ही मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं दैट इज वेदर वी गो फॉर द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें हमारी ओरल और पॉरेंटल थेरेपीस आ जाती हैं एंड देन इज ए नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूशन आ जाते हैं तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर अब हमारे पास इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस आई इज्यूम दैट वी ऑलरेडी मेक द डायग्नोसिस ठीक है जी बट अब फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पेशेंट है अगर ग्रेटर देन लेस देन 11 ग्राम पर डेसिलिटर की मैं बात करूंगी अगर उससे कम है तो मैंने पेशेंट को फर्स्ट लाइन क्या कहना है जो आजकल कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो ये है कि ओरल आयरन शुड बी योर फर्स्ट लाइन ठीक है जी कोशिश करें कोशिश करें क्योंकि पारेंट्रल के साथ ब्लड ट्रांसम्यूशन के साथ अपनी कॉम्प्लिकेशन हेजिड्स हैं और वो जितना अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड करें बट इफ़ योर पेशेंट इज इतना थर्ड सेमेस्टर तो हमारे लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है वी हैव टू आगे हमने उसे डिलीवर करना है पी को सोचना है कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी को सोचना है तो हमारा एम ये होता है कि हम जरा स्टोर्स को पहले बेहतर लेवल पर बिल्डअप कर लें सो दैट के एंटीनेटल केयर का पर्पज़ ही यही है वट इज द डेफिशेंट यू हैव टू एंड ऑफ द डे बेबी भी हेल्दी हो मदर भी हेल्दी हो क्योंकि ऑब्वियसली अगर आयरन डेफिशेंसी एनीमिया होता है मदर को तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं शीहेज रिक्रंट्राइट्राइ इन्फेक्शन हो सकते हैं फिर उसके बाद प्रीटर्म डिलीवरी में जा सकती है बेबी आई यूजीआर हो सकता है ठीक है लो बर्थ वेट हो सकता है अगर हो भी जाएगा तो फिर मेरी एंटी नेटल केयर का तो कोई पर्पज फुलफिल ही ना हुआ ठीक है तो ये दैट्स वाई वी आर सो मच कंसर्न है और हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना चाह रहे हैं ठीक है सो ट्रायल ऑफ आयरन शुड बी बीडर एज अ फर्स्ट स्टेप एंड फर्दर टेस्ट शुड बी अंडरटेकन इफ नो डिमॉन्स्ट्रेबल राइज इन द हीमोग्लोबिन एट वीक्स एंड हैज बीन तो फर्स्ट लाइन आपने पेशेंट को शुरू कराई टू वीक्स के बाद आपने जो है पेशेंट की एच करवा के देख लेनी है अगर तो उसकी एच बी हो गई तो फिर आप कंटिन्यूशन ऑफ थेरेपी करेंगे लेकिन आपने पेशेंट की कंप्लाइंस बेहतर करनी है उसे प्रॉपर काउंसिल करना है और अगर आपको लगता है कि उसे जीआई सिम्टम्स है तो फिर आपने टाइप ऑफ आयरन उसका मोड ऑफ uh, जो आयरन है उसको चेंज करना है मॉडिफाई करना है और फिर आपने कंप्लाइंस जो है वो चेक करके फिर आपने पेशेंट को दूसरी लाइन के ऊपर स्विच करना है अनिमिया की स्क्रीनिंग हम पेशेंट की बुकिंग पे करते हैं ट्वेंटी एट वीक्स पे करते हैं और जैसी फीमेल जो मल्टी मल्टीपल प्रेगनेंसी टून प्रेगनेंसी या हाई uh, जो वो हायर मल्टीपल्स के साथ है उनमें जो है एडिशनल आप बीच में एक दफ़ा ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वीक्स के ऊपर यानी बुकिंग के ऊपर ट्वेंटी फोर वीक्स के ऊपर फिर ट्वेंटी एट वीक्स के ऊपर भी उनमें करवाएंगे ठीक है ओके okay. उसके बाद जो डिफरेंट टाइप मार्किट्स में अवेलेबल हैं उसमें क्या क्या है सबसे ज़्यादा आपके पास है फर्स्ट लाइन जो है वो फेरेस्लफेट्स है ठीक है gluconate है फेरस फ्यूमरेट है अब इन सब के आपको जो है ट्रेड नेम्स आने चाहिए कि कौन कौन सी मार्केट में कौन कौन सी जो है दवाई किस किस जो है वो नाम से प्रेजेंट होती है तो उसमें क्या है कि जो सल्फेट होती है वो है उसके अंदर जो एलिमेंटल आयरन होता है वो तकरीबन 60 टू तो 65 मिलीग्राम तक होता है ठीक है 60 टू तो 65 तक मिलीग्राम तक ये आयरन होता है और ये जो ट्रेड नेम के साथ आती है फेरस सल्फेट की जो अपनी गोलियाँ होती थी वो फेरस सल्फेट ही के नाम से आया करती थी लेकिन आजकल वो हम यूज़ नहीं करते हैं आजकल जो है लाइक सेंगोबियान हो गया फीफॉलवेट हो गई ये ये जो है फेरस सल्फेट फीफॉलविट के अंदर फेरस सल्फेट होता है जो फेरस फ्यूमरेट होता है ग्लूकोनेट होता है ग्लूकोनेट जो होता है वो सेंगोबियन की गोलियां होती हैं ये उनके अंदर होता है उसके अंदर है, 36 जो है वो मिलीग्राम आयरन देखें कंपैरेटिवली कम होता है ये फेरेसल्फ़ेट जो है एक तो औरिजनल फेरासल्फ़ेट की वो जो येलो कलर की बहुत पुरानी टैबलेट जाया करती थी वो होती थी और इसके अलावा फेरेसल्फेट जो होता है वो इट्स फीफॉलिट के नाम से आजकल जो है वो हम पेशेंट को दे रहे होते हैं इसके अलावा जो पोलिसक्राइड कॉम्प्लेक्स होते हैं ये माल्टोफर जो कंपनी है इनके जो आ रहे होते हैं दीज आर द दोलीसेक्राइड कंपोनेंट्स होते हैं और आजकल जो न्यू आई हुई हैं दैट इज़ अ लाइफोजोमल फॉर्म ऑफ द आयरन दैट इज़ अ आयरन पायरोफॉस्फेट जो फरफर -फर साशे के नाम से सो so, आपको जो है अपनी पेश जो मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आयरन है उनके अंदर कितना एलिमेंटल आयरन प्रेजेंट होता है और उनकी एबजॉपन आपको आयरन की पूरी आनी चाहिए और उसके बाद ये है कि आपने डोजेज कितनी देनी है अगर आप सेंगो बयान दे रहे हो तो सेंगो बयान को आपने देखा होगा कि हम ग्लूकोनेट वाला होता है क्योंकि इसके अंदर थर्टी है तो हम जो हैं वो की डोज में दे रहे होते हैं लेकिन फी में क्योंकि है तो हम पेशेंट को ओडी की डोज में दे सकते हैं जो आपकी आ, -फॉलेक है ठीक है ना बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके आयरन रिजल्ट बहुत अच्छे हैं तो वो भी हम पेशेंट को वंस डेली दे सकते हैं तो आपने को ये ट्रेड नेम और इनके अंदर कंपोनेंट और आयरन की अमाउंट पता होनी चाहिए तो ये आपके ओरन थे जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है

जो फर्स्ट जनरेशन है हमने बात की है फर्स्ट लाइन थेरेपी इनका सबसे जो साइड इफेक्ट है ये है कि ये जी डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा कराते हैं नॉजियो वॉमिटिंग आर्टमेंट आएगा कॉन्स्टिपेशन जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो मेडिसिन खाना छोड़ देता है तो और क्योंकि डिस्कलरेशन ऑफ स्टूल भी होती है तो कुछ लोग इससे भी डिस्टर्ब होते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में यू कैन मूव टू द सेकंड लाइन सीरफ फार्म में दे दें दे, उसकी जो कंप्लाइंस है उसको बेहतर कर दें उसके साइड इफेक्ट करने के लिए उसको डिवाइडेड डोजेस में दे दें दे. ठीक है विद फूड uh, कर दें नाइट टाइम पे ले तो ज़्यादा बेहतर है और वो भी नहीं कर सकती तो देन यू गो फॉर द दो कि इसको फिर आपने टू टू थ्री टाइम्स देना है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंटल आयरन जो है जस्ट टू टू फोर मिलीग्राम होता है बहुत कम होता है फड़ फड़ में तो वो पेशेंट बेहतर टॉलरोट टॉलरेट कर जाएगी और आपको रिजल्ट मिल जाएंगे उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है जो पेशेंट ओवरऑल आयरन टॉलरेट नहीं कर सकती एब्जॉर्व नहीं कर सकता पेशेंट कम्प्लाइन इस दिन डाउट है तो ऐसे पेशेंट को

ए एक्यूरेट मेथड एक्यूरेट में जो हमारा है कि बॉडी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द पेशेंट बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट मल्टीप्लाई बाय टारगेट हीमोग्लोबिन माइनस एक्चुअल हीमोग्लोबिन इनटू 0.24 प्लस 1000 आप कर लेते हैं ठीक है जी और यूजुअली अकॉर्डिंग टू द हाई रिस्क हम फाइव करते हैं लेकिन एक्यूट लॉस में करते हैं लेकिन हम ज्यादातर इसमें यहाँ पे हम थाउजेंड प्लस करते हैं जो डोज आती है रफली उसको कैलकुलेट करके तो हम उसको डिवाइडेड में दे देते हैं फॉर एग्जांपल सिक्सटीन हंड्रेड डोजेस आई हैं तो हम एक इम्प्यूल जो पेशेंट को लगा रहे होते हैं वो टू हंड्रेड का होता है तो मैं उसे एट डोजेस बता दूंगी कि जी मैं आपको आठ टीके लगेंगे और इसके अलावा जो रिसेंट आया हुआ है वो आजकल जो आया हुआ है वो सिंपल फेरिक फेरेकार फेरिनजेट के नाम से आया हुआ है ठीक है मेथड ए में क्या है आपको लगा पेशेंट की हीमोग्लोबिन 10 से कम है और उसका बॉडी वेट जो है वो 35 टू 70 केजी की फ़ीमेल है तो आप रफली 1500 मिलीग्राम इसमें सेफ दे दें और उसको डिवाइडेड डोज यानी सेवन डोजेज दे दें ठीक है या अगर 70 से ज़्यादा है तो 2000 थाउजेंड यानी तो मिलीग्राम रिप्लेस करना है आपने टेन डिवाइडेड डोजेज में दे दें दे. और अगर तो टें टेन हीमोग्लोबिन से उसकी ज़्यादा है तो फिर आपने जो रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट आपने थाउजेंड मिलीग्राम करना है

Uh, 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 use होता है और इसके रिएक्शन कम है ठीक है इनिशियलीस्ट्रॉन यूज uh, होता था लेकिन अब नहीं होता आयरन सेक्रोस की डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो यूज होती हैं जो कॉमन नेटवर्स इफेक्ट है कि इससे पेशेंट को लाइव क्रैमिंग है हाइपर टेंशन है या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है अब बात कर लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के ऊपर और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो आ जाती है क्या अपने पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं ठीक है उसमें क्या है कि सबसे पहले आपने पेशेंट से कंसेंट लेनी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कंसेंट शुड बी ऑप्टेंड वेर पॉसिबल प्राय टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर इमरजेंसी है नॉट फिजिबल टू गेट कंसेंट है या इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो फिर हम जो है वो रिट्रोस्पेक्टिवली जाके पेशेंट के जो है वो दे, देख सकते हैं कि वेदर हम इसको जो है वो क्रॉस जो है वो आर एचे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते वो नेगेटिव रीजन फॉर ट्रांसफ्यूजन आपको बहुत क्लियर कट पता होनी चाहिए आपने कंसेंट में पेशेंट के साथ डिस्कस की हो और डॉक्यूमेंट की हुई होनी चाहिए और उसके अलावा सबसे पहले आप पेशेंट का ब्लड ग्रुप स्क्रीनिंग करके भिजवाएंगे पेशेंट देखेंगे कि ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी स्टेटस चेक हुआ है बुकिंग के ऊपर ट्वेंटी एट वीक्स के ऊपर ग्रुपर्स की स्क्रीन सैंपल लेने के बाद जो ब्लड इंप्रगनेंसी है तीन दिन से पुराना ब्लड आपने पेशेंट को नहीं लगाना है अगर आपके पेशेंट को बहुत ही इमरजेंसी है आपको ब्लड लगाने की तो फिर आपने क्या करना है फॉर एक्जाम्पल लाइक प्लेसेंटा प्रीविया है या पेशेंट को सिग्निफिकेंट एलो एंटी एंटीबॉडीज आर एच इनकम्पेटेबिलिटी है ठीक है ग्रुप और स्क्रीन सैम्पल आप फ़ौरन से भिजवा देंगे ठीक है वंस अ वीक हर हफ्ते भिजवाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुई है कि नहीं हुई ताकि पेशेंट अगर इमरजेंसी में आए तो ब्लड अवेलेबल हो ठीक है जी ब्लड बैंक के साथ क्लोज लिजॉन आप करेंगे ताकि जब भी हमें जरूरत हो हमें इस पेशेंट के लिए चाहिए होगा इसके अलावा जो फीमेल है उसका ग्रुप और स्क्रीनिंग सैंपल जो है इन लाइन विथ क्लियर लोकली एग्रीड प्रोटोकॉल ऑफ प्रोविजन ऑफ ब्लड होना चाहिए यानी जो भी आपके वार्ड का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब में आपने जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनका ब्लड पहले से अरेंज करके रखा हुआ होना चाहिए दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ब्लड के साथ साथ आप क्या करवा सकते हैं दैट इज अ ट्रांसफ्यूजन्स ठीक है एफ एफ पीस आपने ट्वेंटीजी के हिसाब से देने होते हैं और हर छः यूनिट्स के बाद फिर आपने एक एफ एफ पी लगाना होता है टू फिफ्टी टू हंड्रेड एम एल का एफ एफ पी होता है तो आप लगा देते हैं एफ एफ पी ट्रांसफ्यूशन शुड बी गाइडेड बाई द रिजल्ट टेस्ट ठीक है जी और उसके थ्रू हम किसके थ्रू करते हैं पी टी टी एंड ए पी टी टी और ए पी टी को मॉनिटर करते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ द नॉर्मल से ज्यादा जो है वो नीचे नीचे होना चाहिए ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर ऊपर जाएगा फिर आपकी एफ एफ पी की ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन बन जाएगी ठीक है जी सो so, जब भी हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो सी बी सी के साथ हम बेस लाइन जो है वो काकुलेशन प्रोफाइल भिजवाते हैं ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो मुझे पता चले कि इट्स अ न्यू थिंग है मेरा पेशेंट पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ था लिहाजा या न्यू इवेंट की तरफ फॉर जा रहे है। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है ब्लड एफ एफ पी क्रायोप्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट भी एक सुपर uh, क्या कहना चाहिए सेंट्रीफ्यूज फॉर्म ऑफ एफ होती है ठीक है तो स्टैंडर्ड डोज क्या है कि दो डोज ऑफ़ टू फाइव यूनिट पोल्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड अर्ली इन द मेजर ऑप्स्ट्रेटिकल हेमरेज यानी अगर आपका पेशेंट पी पी एच में गया है और फिब्रीनो जिनके लेवल जो हैं आपके वन पॉइंट फाइव से कम चले गए हैं तो दर्स एन इंडिकेशन क्या आप कराएँगे जो क्रायोप्रेसिपिटेट हैं वो फिब्रीनो जिनके साथ हम कॉरेस्पॉन्डिंग में देते हैं एफ एफ पीज पी टी ए पी टी टी के साथ मोनीटर करके देते हैं और अनिमिया के लिए हम ब्लड करते हैं और इन तीनों को हमने हमारा एम ये होता है कि हमने हीमोग्लोबिन आठ से ऊपर रखनी है प्लेटलेट सेवेंटी फाइव थाउजेंड से ऊपर रखने हैं और फिब्रीन के लेवल वन पॉइंट फाइव ग्राम पर लीटर से ऊपर रखने हैं ठीक है जी इसके अलावा जो अगर आपने फिर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात की जो एफ और क्रायोप्रेसिटेट होते हैं आइडली तो सेम ग्रुप के होने चाहिए लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो ए बी ओ डिफरेंट ए बी ओ ग्रुप के भी एक्सेप्टेबल है और लग सकते हैं अगर किसी को प्लेटलेट्स uh, या एफ एफ पीज लग गए हैं जो उसका अपना आर एच नगेटिव वूमेन फॉर एग्जाम्पल थी और उसे आर एच पॉजिटिव आपने लगा दिए तो एन डी जो है वो ज़रूरत नहीं होती उसको देने की दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ओके अभी मैं आपको बताई थी एम हमारा क्या है कि प्लेटलेट 50 टू 75 तक रखने हैं आपने और अगर 75 से नीचे प्लेटलेट जाने लग गए हैं तो आपके पास सेफ्टी ऑफ मार्जिन कम रह जाता है ट्रांसफ्यूजन आपने करवानी करवानी होती है प्लेटलेट जो है आइडली जो है सेम कंपेटेबल होने चाहिए प्लेटलेट जब लगाने हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है सेम ब्लड ग्रुप सेम आर फैक्टर के लगेंगे अगर आर नेगेटिव वुमेन को आपने आर नेगेटिव ही लगाने अगर पॉजिटिव लगा दिए तो रिएक्शन हो जाएगा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हीमोग्लोबिन लेस देन सेवन ग्राम सेवेंटी ग्राम्स पर लेटर इन लेबर में पेशेंट आ गई है तो लेबर में कभी भी ब्लड नहीं लगाना दैट्स एन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है और अगर लगाना है तो डिलीवरी फ़ौरन ही हो जाती है प्रिपेयर करो इन हैंड करो लेबर रूम में मकवा कर, कर लो था कर लो जो ही भी पेशेंट बचबी भी डिलीवर हो रहा था यू कैन ट्रांसफ्यूज सम अदर बट वायल इन शी इज टेकिंग लेबर आपने ब्लड नहीं लगाना ठीक है अगर पेशेंट की हीमोग्लोबिन सात से कम है और इन लेबर में या इमीडिएट पोस्टमार्टम है यानी अभी भी डिलीवर हुई है तो फिर आपने डिसीजन ऑफ ट्रांसफ्यूजन करना है एक तो घर जाके पेशेंट की जो सोशल हमारे इश्यूज़ हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसको इतनी अच्छी डाइट नहीं मिलेगी रिप्लेनिंग स्टोर नहीं कर सकेंगे बच्चे को उसने फीड कराना है तो आप रिप्लेस करके भेजोगे आपने टेंथ तक जो है एच सब की Uh, करनी होती है ऑप्टिमाइज़ करनी होती है ये हमारी एज अ जॉब है ड्यूटी है कि हमने पेशेंट को जब भी डिस्चार्ज करने से पहले हीमोग्लोबिन एटलीस्ट नाइन टू टेन के बीच में आइडियली टेन नहीं तो नाइन तक तो लेके आनी चाहिए और फिर और पे डिस्चार्ज कर देना चाहिए ठीक है और अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल पोस्ट नेटल पीरियड में आपके पास आई है आप यानी फॉलोअप के ऊपर डिलीवरी करके आपने भिजवा दिया था और सेवन एच है कोई ऑन कॉन ब्लीडिंग नहीं है फिर ट्रांसफ्यूजन uh, की बजाय अब ट्रांसफ्यूज़ करना है या पॉरेंट्रल थेरेपी देनी है यह अब आप आपका अपना डिसीजन होगा पेशेंट टू पेशेंट है लेकिन आइडली है बेहतर है कि पोरेंट्रल थेरेपी उसको दे दें अगेन इट्स सिमिलर रेपिटेशन आपकी आ जाएगी अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पूरा प्रोटोकॉल पेशेंट को कैसे लगाना है किस स्पीड पे लगाना है ड्यूरिंग बिफोर आ, स्टार्ट आपने वाइटल्स लेने इन बिटवीन लेने लास्ट में लेने रिएक्शन हो गया तो आपने कैसे बिहेव करना है और कौन से रिएक्शन हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ रिलेटेड हैं तो दियर टू टाइप ऑफ द रिएक्शंस हो सकते हैं एक होते हैं एक्यूट हीटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस एंड अदर आर डिलेट जो एक्यूट होते हैं उनका फौरन से आ जाता है साइन सिम्टम्स सिम्ट कैसे आ जाता है फौरन से पेशेंट को जो है ना घबराहट शुरू हो जाती है नोजियो वॉमिटिंग सबसे पहला निशान नॉजियोटिंग घबराहट वेलपिटेशन और पेशेंट कहती है मुझे बहुत दिल घबरा रहा है दिल घबरा रहा है उसका बीपी ड्रॉप करने लग जाता है क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा टाइप वन सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जो एंटीजन आपने दी थी उसका रिस्पॉन्स आता है एंड पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाता है आपका क्या रिएक्शन होगा फौरन से स्टॉप करेंगे ट्रांसफ्यूजन इफ नीडेड आपने देखा कि है फिर आपने वो जो ट्रांसफ्यूजन का पूरी किट होती है वो आपने अलॉन्ग पेशेंट का सी बी सी यूरिन आ रही एंड ब्लड ग्रुप दोबारा क्रॉस मैच लेके आपने तीन चीजों के साथ ब्लड बैंक वापस भिजवाना होता है एंड आपने पेशेंट को इफ रिएक्शन इज सवियर तो सोलो काटे बेहतर है लगा दें ठीक है और तब तक पेशेंट को आपने ऑब्जर्वेशन में नेक्स्ट वन टू टू आवर्स के लिए रखना है फिर उसका हर फिफ्टीन टू थर्टी मिनट के बाद ब्लड प्रेशर लेना है स्टेबल हो जाता है घर भेजना नहीं होता तो रिटेन करें डिलेट क्या होता है कि जी पेशेंट को ब्लड लग गया वो चार पाँच दिन के बाद आई है और मोस्ट लाइकली इस डिलेड ह्यमोलिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि पेशेंट को जो है वो हिमाचुरिया हो जाता है यहाँ पैलर रोने लग जाती है जैंडस आ जाता है पिलाहट आ जाती है बॉडी के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने लग गया है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं वो जगह जगह जाके जो है वो हिमोलोसिस कॉज करने लग गए इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है अगर अनकंट्रोल्ड इसी तरह पेशेंट ना वापस आए और घर पे रहे तो ठीक है जी उसमें क्या करेंगे कि आप दोबारा से पेशेंट के सारे टेस्ट भिजवाएंगे एडमिट करेंगे वेल्युएट करेंगे अब क्योंकि शीज़र डिलेड है अंडर कंट्रोल है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगी एंड देन यू विल लेबल के जी इसको हिमोलिटिक रिएक्शन हो चुके हैं तो नेक्स्ट प्रेगनेस नेक्स्ट में जब भी ट्रांसफ्यूज करें तो बहुत एहतियात से करें ठीक है जी सो क्लिनिकल साइन एंड सिंटर्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो ही हो गया सबसे पहले आपने जस्ट लाइक एन एल्गोरिदम की जिसमें इमरजेंसी होगी है तो आपने क्या करना है कॉल फॉर हेल्प किसी को इन्फॉर्म करना है पेशेंट को अगर आपने वार्ड में है तो लिवरूम या एचडीयू में शिफ्ट करना है उसकी आईवी लाइन ऑलरेडी मेंटेन है एक और मेंटेन करेंगे और फ्लूइड लगाना शुरू कर देंगे ठीक है जी आपने पेशेंट को प्रॉप अप करना है ऑक्सीजन देनी है और वाइटल्स ले लेने हैं उस टाइम तक आप ब्लड बंद कर चुकी है उसके बाद आपने सारी टीम को बुला लिया है फिर आपने पेशेंट को असेस किया है कि जी सिमडम क्या है अगर तो उसकी देखा है आपने कि रैश हुआ है यानी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ है और लेस देन टू थर्ड ऑफ बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर है और उसके साथ उसे प्रोराइटस या एरिया हुआ हुआ है ठीक है जी फ्लशिंग हो रही है तो आपने ब्लड स्टॉप करना है उससे एंटी हिस्टेमस देनी है और इस कंडीशन में आफ्टर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स के बाद या थर्टी मिनट्स के बाद हम पेशेंट को री ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं दूसरी कंडीशन है माइनस सिम्टम्स की कि पेशेंट को फीवर हो गया यानी वन डिग्री सी फ्रॉम द बेस लाइन क्यों इसीलिए कहते हैं ना वाइटल ब्लड शुरू करने से पहले लो तो अगर थर्टी एट डिग्री सी चला गया है और जो है वन डिग्री सी फ्रॉम द बेस लाइन ऊपर चला गया लेकिन इन में से कोई सिम्टम भी नहीं है तो सिर्फ फीवर ही हुआ है उस कंडीशन में भी आप पेशेंट को जो बायोफेलगन या एस्टेमाइनोफिन का हम इंजेक्शन लगा देते हैं ठीक है और उसके बाद थर्टी मिनट्स के बाद फिर फिफ्टीन थर्टी मिनट्स के बाद रियस करेंगे अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो मेटरी ट्रांसफ्यूजन कंसिडर कर सकती हूँ फॉर द माइनर सिम्टम्स के लिए जो सीरियस सिम्टम्स हैं फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि सवेयर किस्म का पूरी बॉडी में सवेयर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ पेशेंट को नौजियाँ वामिटिंग रैगर्स जल्द शुरू हो गए चेस्ट पेन शुरू हो गया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हाइपोटेंशन शॉक में चली गई है साथ साथ जो है वो फीवर भी हो गया कार्डिया उगने लग गए तो इस कंडीशन में हमने फौन से पहले जो है वो पेशेंट को आ, आ, ब्लड बंद करना है ऑक्सीजन देनी है सो, सोलो लगा देना है ब्लड को जो है वापस भिजवाना है क्रॉस मैच ब्लस सीपी और यूरिनारी के साथ और उसके बाद पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है एसडीयू टी यू में रखना है और बहुत बड़ा लेवल कर देना है कि इसको आइंदा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कंसिडर बहुत केयरफुली कंसिडर किया जाए इट्स अ सीरियस ठीक है जी और उसके बाद Uh, अगर आपको लगता है फिर भी स्टेबल नहीं हुई आपने मेडिकल कंसल्टेशन करवानी है और इफ़ नीडेड तो ब्लड कल्चर और एक्सरे चेस्ट वगैरह करा लें अगर आपकी पेशेंट जो है वो चेस्ट पेन और डिस्निया की कंप्लेंट कर रही हो, होती है ठीक है ना सिवेरिटी ऑफ के लिए और इस केस आप आपने ब्लड जो है वो रिस्टार्ट नहीं करना दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड जो है वो आपका बेसिकली प्रोटोकॉल होना चाहिए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की गाइडलाइन जो आर सी जी की गाइडलाइन है एक दफा गो थ्रू करें एंड होप फुली के आफ्टर टेकिंग दिस लेक् गो बैक एंड ओपन यूर बुक्स तो आपका कॉन्सेप्टी मच बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर यूर टाइम इट वॉज रियली नाइस टू टॉक अबाउट और अगर आप लोगों को क्वेश्चन है यू गाइस कैन आई आस्क एंड देन वी कैन लीव द मीटिंग जी प्लीज हेलो थैंक यू जी प्लीज लीव इन अ कमेंट आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा हाउ वाज इट और इफ यू रियली लाइक द लेक्चर तो प्लीज मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे जितने लोगों ने मुझे वहां से यूज किया है आई वुड लाइक टू हैव अ comment from you guys over there so it will be a nice gesture tkg thank you so much for appreciation uh honor sakes tkg though i will expect that response from you at least i i should get the feedback on my telegram group tkg thank you and also recommend your friends hope to see you if you really want to join the session or upcoming written group ke liye, fab ke liye. so uh, please join us tkg thank you take care